वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है Yes, सबसे पहले बताइए मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको वेल गुड इवनिंग गुड इवनिंग आचल, मोनाली uh, अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखा करो ये सब आजकल टेक्नोलॉजी को सब चीजों को कनेक्ट करने उसमें भी स्टूडियो में कनेक्ट करने के लिए टाइम लगता है आवाज़ क्लियर आ रही है चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए सो सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे यस yes, सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है नालायक को पॉजिटिव एनर्जी से कहो अच्छी चल रही है अच्छी चल रही है हाँ, ये हुई ना बात चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा यस uh, yes, uh, जिसका आप इंतजार कर रहे थे जिसका है आपको इंतजार वो आज सेशन पहला सेशन में ले रहा हूँ और अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल फॉर मे 22 और जून 22 एग्जामिनेशन सच कहो तो इस बार कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है हाँ ठीक है जो नोट्स मैंने शेयर की है वो नोट्स में कुछ ट्वेंटी ट्वेंटी वन पेजेस हो गए लेकिन अगर मैं सबको एक कंपोज uh, कर लूँ और कंसोलिडेट करूँ तो ये मुश्किल से थ्री फोर पेजेस जिसकी समरी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी टेलीग्राम लिंक पे तो अभी तो मैंने अमेंडमेंट नोट्स बना के uh, टेलीग्राम लिंक पर अपलोड कर दी है एज़ वेल एज़ इसकी समरी भी सेम टेलीग्राम लिंक पर मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों बाद uh, यस yes. चलिए अब मैं थोड़ा आपके डाउट्स क्वेश्चन थोड़ा पेशेंस रखोगे आप ओके okay. फाइनल तक आ गए तो पेशेंस तो आपको होना ही चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखो मैं सब बातें आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे अमेंडमेंट का आज का लेक्चर जो है वन एंड हाफ आवर का होगा और रिमेनिंग लेक्चर वन एंड हाफ आवर का हम कर ले लेंगे दूसरी बात आपको कह दू कि ये जो अमेंडमेंट्स है मोस्टली प्रोसीजर पार्ट में है Uh, कोई मेजर अमेंडमेंट एक दो होगी अदरवाइज ऐसी कोई खास अमेंडमेंट्स इस बार नहीं है मोस्टली प्रोसीजर कवर करती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा मैं मेरी रिक्वेस्ट है कोई स्पैम नहीं करेगा ओके okay, कोई स्पैम नहीं करेगा ठीक है uh, उसके बाद में कस्टम में एक नया चैप्टर ऐड किया है वेयर हाउसिंग ओके सिंपल चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है डिस्कशन के लिए दो ढाई घंटे लगेंगे तो वो चैप्टर भी मैं कवर करूँगा एक्चुअली वो अमेंडमेंट्स नहीं हैं पहले पिछले तीन चार एग्जाम से वो एक्सक्लूड किया था सिलेबस से अब इंस्टीट्यूट का मूड हो गया तो इंस्टीट्यूट का मूड हो गया तो इंस्टीट्यूट ने वो नया चैप्टर ऐड कर दिया है तो वो भी हम कवर करेंगे वो वन स्ट्रेच ही कंप्लीट करेंगे दो ढाई घंटे का सेशन तो वैसे देखा जाए तो हमारा अमेंडमेंट का एक ही सेशन रहेगा जो तीन घंटे का रहेगा आज मैं वन एंड हाफ आवर ले लूंगा और कल मैं वन एंड हाफ आवर ले लूंगा यानी ये एक ही सेशन में दो पार्ट में ले लूंगा ठीक है तो अमेंडमेंट का एक ही सेशन होगा दूसरा एक वेर हाउसिंग चैप्टर एट सी ए फाइनल लेवल सी एम ए में ऑलरेडी था सी एस में ऑलरेडी था जिनको मैं एक्स्ट्रा जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन था वो मैं प्रोवाइड करता था लेकिन अब सी ए फाइनल में वो चैप्टर आ चुका है कस्टम्स में तो हम नए रिकॉर्डिंग उसके लिए यानी मैं लाइव स्ट्रीमिंग में ले लूँगा तो उसके लिए कुछ हमें टू एंड हाफ आवर लगेंगे तो वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे तो पहले स्ट्रक्चर समझ लो हमारे सेशन कैसे हो गए ध्यान से सुनिएगा हमारे सेशन ऐसा होगा कि आज का लेक्चर ज़ीरो वन आज का लेक्चर जीरो वन जो है ये अमेंडमेंट्स कवर होगी अमेंडमेंट्स इन आई डी टी अमेंडमेंट्स इन आई डी टी उसके बाद में लेक्चर ज़ीरो टू ये मैं कर लूँगा मैं आपको टाइमिंग वगैरह सब बता दूँगा इसमें भी अमेंडमेंट्स कवर होगी आई डी टी की ये वन पॉइंट फाइव आवर्स का रहेगा और ये भी वन पॉइंट फाइव आवर्स का रहेगा ठीक है तो इसमें भी और ये जो लेक्चर्स हैं ये जैसे यूट्यूब लाइव हो रहा है और ये यूट्यूब पे सेव रहेगी आई रिपीट ये यूट्यूब पे सेव रहेगा आपको जब भी सुनना है सुन सकते हो थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुनना है तो आप स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हो जो आपकी अभी आदत है ठीक है नाउ लेक्चर जीरो थ्री लेक्चर जीरो थ्री अमेंडमेंट पे नहीं है ओके okay, एक नया टॉपिक न्यू टॉपिक न्यू टॉपिक जो वेर हाउजिंग चैप्टर है चैप्टर वेर हाउसिंग चैप्टर वेयर हाउसिंग ओके okay, तो ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है और ये नया चैप्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है बेटा आ, ये चैप्टर थोड़ा यहाँ पे हम अलग से डिस्कस करेंगे जो वन स्ट्रेच में होगा और अराउंड टू पॉइंट फाइव आवर्स का होगा टू पॉइंट फाइव अवर्स का होगा ये तो इनडेप्थ डिस्कशन हम अमेंडमेंट का कर रहे हैं और इसकी नोट्स यानी ये जो डिस्कशन है ये अमेंडमेंट्स का हम इनडेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं ये जो अमेंडमेंट्स है अमेंडमेंट इन आईडीटी डी टी इसका इनडेप्थ डिस्कशन हम कर रहे हैं डिस्कशन हम यहां पे करेंगे एक मिनट अमेंडमेंट्स इन आईडीटी ओके और इनडेप्थ डिस्कशन करेंगे आ, उसके बाद में यहां ये जो अमेंडमेंट्स मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ ये अमेंडमेंट्स की नोट्स आपको कहाँ मिलेगी तो ये जो नोट्स है ओके okay, ये नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक में दी जाएगी टेलीग्राम लिंक में दिया जाएगा सर ये कौन सी टेलीग्राम लिंक होगी तो ये जो टेलीग्राम लिंक है ओके okay, ये आप जो भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ से ये अवेलेबल आपको हो जाएगी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम लिंक जो है आप मोबाइल से कनेक्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत सी बार लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हो तो वो लिंक नहीं हो पाता है पर मोबाइल से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और ये ग्रुप में आपको जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है वी स्मार्ट एकेडमी सीए फाइनल का ओके वो आप ज्वाइन करें वहाँ से आपको सारी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी एज वेल एज ये तीनों लेक्चर्स यूट्यूब पे सेव रहेंगे और यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हो गए ये बाद में भी आप कभी भी देख सकते हो चलिए नाउ जैसा मैंने कहा कि अभी हम इनडेप्थ में अमेंडमेंट्स लेंगे फिर इसी नोट्स की जो अमेंडमेंट्स हुई है ओके लेक्चर वन और लेक्चर टू ओके तो इसका समरी अमेंडमेंट्स भी आएगा समरी नोट्स ओके इसकी अमेंडमेंट्स की समरी नोट्स अमेंडमेंट्स की ये भी मैं बनाऊंगा ओके ये अमेंडमेंट्स की समरी अगर मैं कंपोज कर दूं तो मुश्किल से तीन से चार पेजेस लगेंगे उससे ज़्यादा इस बार कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है ओके तो ये समरी नोट्स भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा अभी आप अमेंडमेंट लेक्चर्स कर लो फिर अमेंडमेंट की समरी इस मंथ में मैं बना के अपडेट कर दूंगा ये मंथ एंड तक मैं आपको समरी दे दूंगा ठीक है अमेंडमेंट्स की जो मैं अपडेट भी कर दूंगा एज वेल एज मेरा जो भी अमेंडमेंट्स हुई है इसका एक समरी वीडियो आता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो आपको बूस्ट कर देता है यानी अगर कोई अमेंडमेंट्स भूल जाता है तो वो अमेंडमेंट्स को मैं एक बार सब, जो समरी नोट्स में अपडेट करता हूँ इस समरी से फटाफट अमेंडमेंट ले लेता हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल सो एग्जाम के पहले या वन डे बिफोर एग्जाम आपने उतना मुश्किल से तीस या चालीस मिनट लगेंगे सारी अमेंडमेंट्स को कवर करने में समरी में तो उतना भी देख लिया तो आपकी सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी लेकिन ओके okay, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट समरी देख ले मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियोस जो है आप देखें और ये वीडियोस देखने के बाद समरी बाद में देख लेना फिर आपका एक सवाल होगा ये सवाल आपका ये हो सकता है कि सर अभी हमने रिसेंट क्लास किया है या आपकी रिसेंट बुक परचेज की है या इट में भी तो क्या ये अमेंडमेंट्स हमें देखना जरूरी है मैं स्ट्रांगली सबको रिकमेंड करता हूँ कि अमेंडमेंट्स देख लो नुकसान कुछ भी नहीं होगा और इस पहली बार ऐसा है कि यहां अमेंडमेंट्स का सिर्फ एक ही लेक्चर मतलब मैं दो ले रहा हूं मैं दो ले रहा हूं हाफ एंड एंड हाफ आवर्स के लेकिन अगर देखा जाए तो अमेंडमेंट का ये तीन घंटे का एक ही लेक्चर है वो भी अगर बाद में भी आप अगर स्पीड में देख लेते हो तो वो आपका कर, जो है अच्छे से कवर हो जाएगा और सभी स्टूडेंट इसको ओके सभी स्टूडेंट्स इसको देखें इवन दो उन्होंने अभी रिसेंट क्लास किए होंगे तो भी देख लेना उन्होंने बाद में ओके okay, मतलब हो सकता है कि एक साल हो गया होगा क्लास होने को या रिजल्ट आना बाकी होगा तो भी मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप हमें ये अमेंडमेंट्स देख लें ठीक है अगर किसी ने बुक भी परचेस किया होगा तो भी ये अमेंडमेंट्स देख लें ओके नुकसान इसमें कुछ भी नहीं होगा आपका डबल रिविजन हो जाएगा और क्या होगा ना दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि Uh, अगर कुछ स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल रहा है और उन्होंने अब भी रिसेंट वाला बैच लिया है अप्लीकेबल फॉर मे 22 टू एग्जामिनेशन तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि चलो ये इनडेप्थ में अमेंडमेंट्स नहीं देखना है तो भी मेरा जो समरी वीडियो आएगा समरी नोट्स और समरी वीडियो जो अप्रैल में आएगा वो एटलीस्ट वो तो भी देख ले ठीक है तो चलिए मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया है लेकिन ये जो चैप्टर है वेयरहाउसिंग सुनिएगा ये जो चैप्टर है वेयर हाउसिंग ये चैप्टर तो सभी को देखना है यानी अमेंडमेंट्स का लेक्चर नंबर जीरो थ्री आई रिपीट अमेंडमेंट्स का लेक्चर नंबर जीरो थ्री ये सभी को देखना है क्योंकि ये चैप्टर 2019 तक सिलेबस में था फिर इंस्टीट्यूट ने ओके मई 20 में ये एक्सक्लूड कर दिया और ट्वेंटी में भी एक्सक्लूड रहा वापस आपके आई के मटेरियल में ये एड कर दिया है इसलिए ये जो चैप्टर है ओके okay, ये जो चैप्टर है यहाँ पे यस ये सबको ही देखना है लेक्चर वन लेक्चर लेक्चर जीरो वन जीरो टू जो है मैं एक बार फिर से कह देता हूँ मैं यहाँ पे वीडियो इनडेप में भी दे रहा हूँ उसका समरी भी दे रहा हूँ पर यहाँ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट एग्जाम दी है तो ये अमेंडमेंट्स इनडेप में देखे बाद में समरी में रिवाइज कर लेना वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंट क्लासेस किए पहला अटेम्प्ट अपियड होने वाले मे 22 एग्जाम के लिए वो स्टूडेंट जो है अगर इंडेप में देखना नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट समरी वीडियो तो भी देख लेना है, जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा और समरी नोट्स टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दी जाएगी ठीक है ये जो वीडियोज है ये वीडियोज यहां पे फिर से कह देता हूं यूट्यूब पे सेव रहेगा डन ह हाँ. नेक्स्ट एक और आपका सवाल आ सकता है कि सर आ, मैंने आपका रेगुलर कोर्स लिया एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लिया या बूस्टर कोर्स लिया आपने कोई भी कोर्स लिया हो स्पेशली फॉर मे 22 के लिए लिया हो ओके okay, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अमेंडमेंट के लेक्चर्स आपने देख लेना चाहिए इनडेप्थ अमेंडमेंट या फिर समरी अमेंडमेंट ठीक है लेकिन मैंने रेगुलर कोर्स में भी सारी अमेंडमेंट्स कवर कर लिए मैंने एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स जो मे 22 को अपलीकेबल है उसमें भी अमेंडमेंट्स कवर कर लिए और बूस्टर रिवीजन कोर्स अगर आप कर रहे होगे तो मैंने उसमें भी सारी अमेंडमेंट्स कवर कर ली है आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे uh, मैं दो मिनट आपके कुछ और डाउट्स होगा तो वो ले लूँगा अदरवाइज फिर हम हमारा डिस्कशन अमेंडमेंट्स से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे ठीक है कोई क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ लो बेटा हाँ अगर गलती से भी कोई इंटर का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा होगा तो मैं आपको कह दू इंटर की अमेंडमेंट्स फिफ्थ ऑफ फिफ्थ तक आ जाएगी फिफ्थ ऑफ फिफ्थ तक उनका भी अमेंडमेंट्स आ जाएगा ठीक है चलिए देखो अभी तो अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन होगा आ, इसके बाद मैं आपके डाउट्स देख रहा हूं अब मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी बुक खरीदी पुरानी कौन सी बुक खरीदी कौन से अटेम के लिए तो बेटा ज्यादा टाइम नहीं है अमेंडमेंट्स के लेक्चर कर लेना आपकी सारी अमेंडमेंट्स जो मे ट्वेंटी टू एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है जो थर्टीएथ अक्टूबर के बाद थर्टीएथ अक्टूबर 21 के बाद ओके यहां सॉरी ये जो अमेंडमेंट्स है थर्टीएथ अप्रैल 21 से लेके तो थर्टी अक्टूबर थर्टी अक्टूबर 21 तक की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर होगी चलिए अगर आप कोई स्टडी मटेरियल बाय करोगे तो स्टडी मटेरियल जो रिसेंट होगा जो अभी आप बाय कर रहे हो तो इसमें सारी अमेंडमेंट्स कवर रहेगी चल अब मैं इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन इसमें कवर नहीं कर सकता हूं अब मुझे अपना सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा डन हेलो चलो बेटा आर यू रेडी यस और नो चलिए शुरू करते हैं तो सी ए फाइनल सी ए सी एस सी एम ए फाइनल आईडी टी अमेंडमेंट अपबल फॉर मे और जून ट्वेंटी टू एग्जाम इसमें अमेंडमेंट्स जो कवर की जा रही है थर्टी एथ अप्रैल ट्वेंटी वन के बाद टिल थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर होगी और जो स्टूडेंट सीएमए कर रहे हैं उनको डिसंबर तक की अमेंडमेंट्स अपलीकेबल होती है मतलब 2021 तक की अमेंडमेंट्स अपलीकेबल होती है पर डिसंबर में ऐसी कोई अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं इसलिए जितनी अमेंडमेंट्स मैं कवर कर रहा हूं तो सीएमए स्टूडेंट या सी ए स्टूडेंट्स उतनी ही अमेंडमेंट्स करें डिसम्बर में ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया हुआ है पर जो सी स्टूडेंट्स हैं तो सी स्टूडेंट्स जो है यहां पर अमेंडमेंट्स जो मैं कवर कर रहा हूं ये बिटवीन द पीरियड थर्टीथ से लेके तो 31 अक्टूबर 21 तक की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर हो रही है चलिए अमेंडमेंट्स छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है प्रोसीजर अमेंडमेंट्स है इतने चैप्टर्स में जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स आई में क्लैरिफिकेशन आया है रजिस्ट्रेशन एग्जामेशन प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्स इनवाइस रिटर्न अकाउंट रिकॉर्ड्स इवे बिल और रिफंड वैसे मैं कहू तो ये पहला ऐसा एग्जाम है पिछले तीन साल में कि मेजर ऐसी कोई अमेंडमेंट्स नहीं है दो तीन ही अमेंडमेंट्स ऐसी है कि जो आपको एग्जाम के हिसाब से अच्छे से पढ़ के जाना है अदरवाइज ओके okay, कोई ऐसी खास अमेंडमेंट्स नहीं है नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कस्टम्स एक्ट में तो कस्टम्स एक्ट में भी छोटी छोटी एक दो अमेंडमेंट्स हुई है और फॉरन ट्रेड पॉलिसी की डेक्स डेट एक्सटेंशन की अमेंडमेंट्स यहां पे कवर होगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जीएसटी के अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे पहला चैप्टर लेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स ओके आई रिपीट पेमेंट ऑफ टैक्स में सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स सुनिएगा ध्यान से तो इसमें जो पहले एक प्रोविजो प्रोविजो थी ओके okay, और नीचे दी गई प्रोविजो जो है ओके okay, प्रोविजो को थोड़ा उन्होंने चेंज किया है वैसे मैं इसका बैकग्राउंड बता दू इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स जो है ये यहां पे अगर आपने ड्यू डेट जो भी आपकी ड्यू डेट होगी नॉर्मल स्कीम में या क्यू स्कीम में पेमेंट की जो भी ड्यू डेट होगी अगर उस दिन आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर 18 पर का इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगाया जा सकता है ओके तो एक रेट मैक्सिमम अपू 18 परसेंट का इंटरेस्ट रेट आपको लगाया जा सकता है पर एन बेसिस पे ठीक है अब इसमें एक प्रोविजो एड हुई थी और वो प्रोविजो फिर से अमेंड की गई ओके okay, और अमेंडमेंट क्यों किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2021 ओके okay, वो भी मैं आपको बता देता हूं जैसे पहले वाली जो प्रोविज थी ओके okay, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेना ठीक है प्रोवाइडेड दैट इन दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड हाँ, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है मैं एंड में एंटरटेन करूंगा इसलिए अभी पूछ के अपना टाइम वेस्ट ना करें एंड में मैं दस मिनट दूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं यहाँ पे दे दूंगा ठीक है अभी जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा ओके okay, अगर आप ये दो प्रोविजो पढ़ो और ये दो प्रोविजन में क्या डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं पहले जो था प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड

यहां पे उन्होंने कुछ वर्ड्स चेंज कर दिया प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज में ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड सेनिश आफ्टर ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन थर्टी नाइन यहां तक तो ठीक है एक्सेप्ट एक्सेप्टे सच रिटर्न इज फर्निश आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड पीरियड शेल बी तो एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है और कुछ नहीं हुआ है शेल बी लेविड की जगह shall बी पेबल ये वर्ड उन्होंने डाल दिया है ओके okay, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड दो मिनट में बता देता हूं वैसे ये लास्ट एग्जाम में मैंने अमेंडमेंट्स कवर की थी नाउ यहां पे कि एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन हो गया था वो कंफ्यूजन ये हुआ था कि जब आप टैक्स पे करते हो ओके okay, तो आपका जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिले ध्यान से सुनिएगा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ओके इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट जो लगेगा ओके okay, ये इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ग्रॉस लाइबिलिटी पे लगेगा यानी आपकी जो ग्रॉस लाइबिलिटी है ओके okay, उसके ऊपर लगेगा या आपकी जो नेट लाइबिलिटी है ओके नेट लाइबिलिटी है इसके ऊपर लगेगा नेट टैक्स लाइबिलिटी तो ये पहले क्लियर हो गया था कि देखा जाए तो आपकी जो नेट टैक्स लाइबिलिटी है इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा ओके आफ्टर टेकिंग आईटीसी क्रेडिट आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे जो वर्ड है नेट लाइबिलिटी ये भी मत यूज करो ओके वो क्या कह रहे हैं जितना अमाउंट बाय डेबिटिंग बाय डेबिटिंग टू ई कैश लेजर ई कैश लेजर बाय डेबिटिंग टू ई कैश लेजर जितना अमाउंट रहेगा ओके तो वो यहाँ पे उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट लाइबिलिटी एंड डेबिटिंग ई कैश लेजर पहले भी ये वर्ड था ई कैश लेजर जैसे मैं आपको बताता हूँ ओके जैसा आपका टोटल आउटपुट टैक्स ध्यान सुनिएगा टोटल आउटपुट टैक्स आपका जो है समझ लो यहाँ पे दस लाख रुपये है ओके दस लाख रुपये लेस आईटीसी आपके पास जो है वो है यहाँ पे एट लाख रुपए यानी आपका नेट लाइबिलिटी कितना हुआ तो नेट टैक्स लाइबिलिटी जो आप कैश लेजर को डेबिट करोगे ओके नेट टैक्स लाइबिलिटी आपका कितना हुआ बेटा तो आपका दो लाख रुपए ये नेट कैश लाइबिलिटी हुआ जो आप यहाँ पे डेबिट करोगे और, और किसको डेबिट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आप डेबिट करोगे दो लाख लेकिन साथ साथ में बहुत सी बार आपको आरसीएम वाली लाइबिलिटी होती है जिसके लिए आप आई यूज नहीं कर सकते तो आरसीएम वाली लाइबिलिटी जो होगी जो आपको रिवर्स चार्ज में देना पड़ता है वो भी कैश लेजर को डेबिट होता है समझ लो पचास हजार है ओके okay. इसलिए आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये दो लाख पचास हजार रुपये देना पड़ेगा यानी मेरा कहना आपको बस इतना ही है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम में भी आप नेट टैक्स लाइबिलिटी वर्ड ना यूज करें एग्जाम में आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओके okay. डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि नेट वर्ड यूज किया तो यही इंप्रेशन आता है पर आपने अगर वर्ड यूज किया डेबिटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो उसमें नेट प्लस आर सी सर क्या ये अमेंडमेंट थी बिल्कुल नहीं ये अमेंडमेंट तो पहले ही हो गई थी ओके okay, पहले से वर्ड है डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो फिर अमेंडमेंट क्या हुआ अमेंडमेंट बस इतना हुआ कि यहाँ पे जो वर्ड शैल बी लेविड है उसको शैल बी पेबल किया गया ओके okay, यहाँ पे रीजन uh, ये है उसका शैल बी पेबल क्योंकि इंटरेस्ट uh, जो है लेवी नहीं होता है तो वो ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी तो इंटरेस्ट लेवी नहीं होता है इंटरेस्ट जो है यहाँ पे पे किया जाता है ओके okay, तो इंटरेस्ट ये पे किया जाता है तो इसलिए जो वर्ड यूज किया जा गया वो शैल बी पेबल वर्ड यूज किया गया बस okay, इसके में तो बैकग्राउंड के साथ पढ़ा होगा समरी में तो मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा कि इट्स अ ड्राफ्टिंग मिस्टेक तो या शेल बी पेबल के शल बी लेव के जगह शेल बी पेबल वर्ड लाया गया दूसरी बात आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट uh, यहां पर Uh, ये जो है इसके ऊपर एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि ये वर्ड्स पे क्वेश्चन आएगा लेकिन हाँ कोई प्रैक यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ओके okay, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे यहां पे सवाल पूछा जा सकता है ठीक है ओके डन यस और नो जो भी मुझसे कनेक्टेड है बोलिए यस सर समझ में आ गया चलो नेक्स्ट आईटीसी आईटीसी के अमेंडमेंट्स ले लेता हूं। ओके okay, यहां पे अमेंडमेंट कुछ भी नहीं हुआ है यानी आईटीसी के चैप्टर में इस बार कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है तो फिर सर ओके okay, आईटीसी के चैप्टर में जैसे दो क्लैरिफिकेशन डाले वो भी एग्जाम के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मैं ले, ले लेता हूँ और आई के स्टेच्यूटरी अपडेट्स हाँ एक बात और कह दू आपके जो भी आईसीए की स्टेचुटरी अपडेट्स है वो सारी मैंने कवर किया है प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें है क्लैरिफिकेशन वगैरह जो स्टेचुटरी अपडेट्स में नहीं है वो भी मैं कवर कर रहा हूं ठीक है यहां पे आ, सर क्या आया है आ, यहां पे बता देता हूं सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन सिक्सटीन फोर और सेक्शन सिक्सटीन फोर में एक जो अमेंडमेंट हुई थी लास्ट टाइम बाय फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वो क्या अमेंडमेंट हुई थी थोड़ा मैं आपको यह बता देता हूं वो अमेंडमेंट का बैकग्राउंड ये था कि एक यहां पे एक जनवरी 2021 से सुनिएगा ओके जीरो वन जीरो वन ट्वेंटी वन ओके बिफोर जीरो वन जीरो वन ट्वेंटी वन एक जनवरी 2021 और उसके बाद में एक जनवरी 2021 के बाद में इसमें क्या था कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी ओके यहां पे अगर हम बात करें तो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग अवेलिंग आई टी सी ओके तो इसमें ऐसा था कि जो ओरिजिनल इनवाइस है ध्यान सुनिएगा जो ओरिजिनल इनवाइस है अगर उसकी डेबिट नोट अगले फाइनेंशियल ईयर में भी इश्यू होती है तो वो केस में जो ओरिजिनल इनवाइस की टाइम लिमिट होगी फॉर अवेलिंग आई टी सी वही डेबिट नोट की होगी लेट्स टेक एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल यहाँ पे जैसा आपका फिनेंशियल ईयर है आपका फिनेंशियल ईयर है यहां पर 2021 और नेक्स्ट ईयर है जो नेक्स्ट ईयर है वह है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अगर कोई ओरिजिनल इनवॉइस आपका फिनेंशियल ईयर 2021 का होगा और इसकी डेबिट नोट इसकी डेबिट नोट ओके नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में दी होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसकी डेबिट नोट दी होगी व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी सेक्शन 16 फोर के हिसाब से आपको टाइम लिमिट दी है ओके okay, अगले साल का यानी ये फिनेंशियल ईयर में अगर आप कोई आई लेना भूल गए मिस हो गया या कोई भी रीजन होगा तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर की सप्टेम्बर की ड्यू डेट और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न एवर इज अर्लियर तो आयदर एनुअल रिटर्न या फिर जो भी आपकी सप्टेम्बर की ड्यू डेट होगी तो सप्टेम्बर की ड्यू डेट हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हम लेके चलते हैं ट्वेंटी अक्टूबर ऑक्टूबर हाँ लेकिन क्यू आर स्कीम होगी तो वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो है अलग अलग डेट्स आ सकती है लेकिन हम लेके चलते हैं ट्वेंटी अक्टूबर तो ये इनवाइस इन्वाइस का तो आई आपने ले लिया इन्वाइस का तो इश्यू ही नहीं था लेकिन उसके डेबिट नोट उसकी डेबिट नोट अगले फाइनेंशियल ईयर में आई तो इसकी डेबिट नोट पर जो जीएसटी लगा ओके इसके डेबिट नोट पे जो यहाँ पे जीएसटी लगा ओके okay, उस जीएसटी का आईटीसी हम कब ले सकते ध्यान सुनिएगा उस जीएसटी का आईटीसी हम कब ले सकते हैं तो एक जनवरी 2021 के पहले ओके okay, ये दिया था कि उसका आईटीसी जो है आप जो ओरिजिनल इन्वायस का लास्ट डेट होगा फॉर अवेलिंग वही उसके डेबिट नोट को लगेगा मतलब ये जो डेबिट नोट का आप आईटीसी ले सकते हो इसके लिए भी ट्वेंटी अक्टूबर और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर वही लास्ट डेट होगी इससे इंडस्ट्री का क्या नुकसान होता था इंडस्ट्री का ये नुकसान होता था कि अगर ओके सप्लायर ने जो डेबिट नोट भेजी जिसका आप क्रेडिट लोगे ये अगर 20 अक्टूबर के बाद होगी और आपका सप्लायर 20 अक्टूबर के बाद डेबिट नोट दे रहा है तो आप उसका आईटीसी क्रेडिट नहीं ले सकते थे क्योंकि ओके यहाँ डेट ऑफ अवेलिंग आईटीसी जो लास्ट डेट है वो चले जाता था मतलब क्या यानी ओके इनवाइस समझ लो यहाँ पे फादर तो डेबिट नोट उसका बेटा तो बाप जो यहाँ पे उसके बाप की ड्यू डेट होगी उसके जो पिताजी की ड्यू डेट होगी ओके फॉर अवेलिंग आईटीसी वही उसके बेटे की होगी इसलिए 20 अक्टूबर के बाद की डेबिट नोट के आईटीसी नहीं मिलते थे रिसिपियन को सप्लायर ने जो डेबिट नोट दिया लेकिन 1 जनवरी 2021 से इसमें अमेंडमेंट्स आ गई और अमेंडमेंट्स आके इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने इसको सेपरेट ही कर दिया उन्होंने सेपरेट कर दिया कि नहीं ओके okay, बाप और बेटे को अलग अलग कर दो ओके okay, अगर डेबिट नोट ईयर 21-22 में दी गई है ध्यान सुनना अगर डेबिट नोट ईयर में दी गई है तो इसकी टाइम लिमिट ओके okay, अलग से देखी जाएगी उसको ओरिजिनल इन से कनेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये जो है 21-22 में अगर डेबिट नोट है तो इसका आईटीसी इसका आईटीसी आपको ओके okay, जो 223 फाइनेंशियल ईयर होगा तो इसका आईटीसी आप कब तक ले सकते हैं तो जो सितंबर की ड्यू डेट है देखिएगा जो यहां पे सितंबर की ड्यू डेट है तो ये सितंबर की ड्यू डेट यानी ट्वेंटी ओके यहाँ ट्वेंटी हा ट्वेंटी ऑक्टूबर ट्वेंटी 22 तक आप उसका आई क्लेम कर सकते हो या डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न तब तक आप उसका आई क्लेम कर सकते हो आई होप यू अंडरस्टूड ठीक है ये तो प्रोविजन थी लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए जिसमें दो इश्यूज थे ओके एग्जाम के हिसाब से मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई सवाल पूछेंगे लेकिन मैं आपको फटाफट समझा देता हूं ओके पहला इशू क्या था जस्ट मिनट बेटा इसमें यहां पे बता दू आपको फ्रॉम फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी वेयर फॉर डेबिट नोट आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाई थर्टी एथ सप्टेंबर ओके बाथ सेप्टेंबर कौन नेक्स्ट फिनेंशियल of 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 हमें एक जनवरी के बाद जो डेबिट नोट इश्यू होगी उसका आई टीसी कब तक ले लेना है उसका फिनेंशियल ईयर कौन सा ओरिजिनल इन्वॉइस से कनेक्ट करना है या उसका सेपरेट फाइनेंशियल ईयर होगा तो ऐसे केस में उन्होंने क्लियर इनकेस ऑफ डेबिट नोट डेट ऑफ इशु डेबिट नोट ओके शाल डिटरमाइंड फॉर द रिलेवेंट फिनेंशियल ईयर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन सिक्सटीन फोर मतलब क्या मतलब ये कहा गया कि जो डेबिट नोट है उसका रिलेवेंट फिनेंशियल ईयर वही लिया जाएगा जिस ईयर में वो डेबिट नोट इशू की गई यानि उसका आई टी सी आप डेबिट नोट जो फिनेंशियल ईयर की है उसके नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर की जो सप्टेम्बर की ड्यू डेट है तब तक आप ले सकते हो तब तक आप ले सकते हो चलिए ये बात तो क्लियर हो गया यहाँ पर जिसके कुछ एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिए है नेक्स्ट एक सवाल ओके okay, यहां पे जो इशू पूछा गया था तो देखिए उसका आपको नीचे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा पहले तो मैं इशू ले लेता हूँ वेदर एनी अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन और आफ्टर ट्वेंटी प्रायर टू और आफ्टर वन वन टी वन विल बी गवर्न बाय प्रोविजन डेड सेक्शन सिक्सटीन फोर और अमेंडमेंट प्रोविजन विल भी अपलिकेबल ऑन दिन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट इश्यूडर हा यह क्वेश्चन को थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा एग्जाम के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके स्टेचुटरी अपडेट्स में भी कवर्ड नहीं है सिर्फ मैं ले रहा हूं ठीक है यहां पर यह इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन <coughs> करना चाहूँगा कि कुछ इन्वॉइसेस ओके okay, कुछ इन्वॉइसेस जो है एक एक जनवरी 2021 के पहले के है हो सकता है उसकी डेबिट नोट अब देखो ओके हमारी कट ऑफ डेट है जीरो अब इसके ओल्ड कोई इनवायसेस हो गए इसके ओल्ड कोई इनवायसेस हो गए ओके तो ये जो इसके ओल्ड इन्वायसेस हो गए इसकी जो डेबिट नोट होगी बेटा ओके इसकी डेबिट नोट यहां पे ध्यान से देखिएगा इसकी डेबिट नोट हो सकता है पहले इशू की गई होगी या इस पुराने इनवाइस की डेबिट नोट हो सकता है बाद में इशू की गई होगी पर इनवाइस पुराना है इनवाइस पुराना है पहले इशू कर दी होगी या बाद में इशू कर दी होगी तो हमें ये जो नया प्रोविजन है क्या ये डेबिट नोट को भी अप्लीकेबल रहेगा मतलब क्या मतलब इसका फिनेंशियली से देखा जाएगा या ये डेबिट नोट का फिनेंशियली ईयर सेपरेट देखा जाएगा

मतलब क्या कि अगर यहाँ पे इवन दो पहले का है पर उसकी डेबिट नोट पहले दी गई होगी या पहले वाले इनवाइस की डेबिट नोट बाद में दी दी गई होगी होगी पहले वाले की डेबिट नोट बाद में दी ओके तो ये दोनों डेबिट नोट को ये जो अमेंडेड प्रोविजन है वो लागू होगी मतलब क्या मतलब इस डेबिट नोट को इवन दो एक्ट लागू हुआ एक जनवरी 2021 से ध्यान सुनना एक जनवरी 2021 से ये अमेंडेड प्रोविजन आई लेकिन ओके इस डेबिट नोट का भी फिनांशियल ईयर सेपरेट फिनेंशियल ईयर माना जाएगा और इस डेबिट नोट का भी फिनेंशियल ईयर ये सेपरेट फिनेंशियल ईयर माना जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके यानी अगर कोई सिंपल वर्ड में पुराने इनवाइस की डेबिट नोट होगी जो पहले भी इशू किया गया होगा एग्जाम्पल लूगा में न जो पहले भी इशू किया गया होगा या फिर ओके okay, पुराने इनवाइस का डेबिट नोट बाद में भी इशू किया होगा तो भी अमेंडेड प्रोविजन यहां लागू किया जाएगा whereas any itc आई prior to अवेल्ड प्राय टू वन वन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट शाल बी गवन बाय प्रोविजन ऑफ सेक्शन एक्जिस्टिंग प्रोविजन ठीक है ये लाइन इम्पॉट नहीं है हाँ लेकिन अगर कोई डेबिट नोट पहले इश्यू हो गई होगी और आपने आईटीसी ले लिया होगा तो ठीक है ना वो वो कंटिन्यू रहेगा लेकिन अगर आपने आई नहीं लिया होगा तो आप उस डेबिट नोट को ये यह यहां पर नई प्रोविजन भी अप्लाई कर सकते हो ये उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आया ओके इससे रिलेटेड दो इलस्ट्रेशन नीचे दिए गए हैं पहला इलस्ट्रेशन देखिए वन और दूसरा इलेस्ट्रेशन टू पहला देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी ड्रॉ कर लेता हूं ओके okay, यहां पे फिनाशियल ईयर है ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके ओरिजिनल इनवाइस ओरिजिनल इनवाइस की डेट है और वो क्या कहते हैं सिक्सटीन ऑफ मार्च 2021, 16th of March 2021, जिसका debit note issue किया गया था 7th of July. इसकी debit note issue की थी, ओके okay, को, ट्वेंटी 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 टू में उसकी डेबिट नोट इशू की गई थी ओके okay, पे, एज इनवाइस पर्टेनिंग टू 2021, हमारा इनवाइस ट्वेंटी ट्वेंटी का है,

has been इश्यूड इन financial ईयर 2122 वन ट्वेंटी टू तो रिलेवेंट फिनेंशियल ईयर फॉर अवेलमेंट ऑफ आई टी सी इंस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट इज ट्वेंटी मतलब क्या कि डेबिट नोट अब अलग मानी जाएगी और इसका फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी किया जाएगा ठीक है यानी इसकी टाइम लिमिट अब आप ओरिजिनल इन्वाइस से कंटिन्यू नहीं करोगे इसकी टाइम लिमिट आप ओके okay, उसका जो सब्सिक्वेंट फिनेंशियल ईयर है उसमें सेप्टेम्बर की ड्यू डेट ध्यान सुनिएगा की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न

ट एन इनवाइस डेटेड ऑन फिफ्टीन ऑफ जुलाई ओके एक मिनट जुलाई ऑफ़ जुलाई ट्वेंटी नाइन ओके ओरिजिनल इनवाइस, तो मैं एक मिनट फिनेंशियल ईयर देख लेते फिनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटीन ट्वेंटी इसमें ओरिजिनल इनवाइस है फिफ्टींथ ऑफ जुलाई फिफ्टींथ ऑफ जुलाई यहां पे फिफ्टी ऑफ जुलाई 2019 ये ओरिजिनल इनवॉइस है ओरिजिनल इनवॉइस है ठीक है फिफ्टींथ ऑफ जुलाई 2019 ये ओरिजिनल इनवॉइस है इसकी डेबिट नोट इशू की गई थी इसकी डेबिट नोट कब दी गई बेटा ओके टेंथ ऑफ नवंबर 2020 ट्वेंटी ओके नवंबर मतलब यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी वन में टेंथ नवंबर को ओके यहाँ पे हाँ टेंथ नवंबर ट्वेंटी को इसकी डेबिट नोट दी गई ओके अब मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो नई प्रोविजन आई थी ओके जो डेबिट नोट को सेपरेट फिनेंशियल ईयर बता रही है ये एक ट्वेंटी वन को ये नया प्रोविजन आया था ठीक है डेबिट नोट पुरानी है ओके ये फिनेंशियल ईयर है ओके okay, और हमारी अमेंडमेंट जो हुई थी वो अमेंडमेंट यहां पे फर्स्ट ऑफ जनवरी को हुआ था अमेंडमेंट ओके सिक्सटीन फोर में अब सवाल ये है कि डेबिट नोट अमेंडमेंट के पहले प्रायर है या हो सकता है डेबिट नोट बाद में हो रिलेडिंग टू ओरिजिनल इन तो इसको हम कौन सी प्रोविजन अप्लाई करें ओके विच विच प्रोविजन ऑफ सेक्शन सिक्सटीन फोर इज अपल अप्लीकेबल मतलब यहां पर हम ओल्ड प्रोविजन अप्लाई करें या न्यू प्रोविजन अप्लाई करें ओके ओल्ड प्रोविजन अपलाई करें या न्यू प्रोविजन अप्लाई करें अब इसमें यहां पर मैं थोड़ा चार्ट वाइज मैनर में आपको बाद में लिखना हो तो लिख सकते हो पर चार्ट वाइज मैनर में बता देता हूं ओके okay. अगर उन्होंने क्या कहा इफ आई टी सी अवेल्ड If ITC available or second और ITC not आई if ITC not अवेल आपने आई टी सी नहीं लिया नॉट अविल्ड देखो बेटा तो, मुझे लगता नहीं है पूछेंगे पर मैं आपको समझा पूरा रहा हूं क्योंकि मेरा काम है अमेंडमेंट सारी आपको बता देना ठीक है आई टी सी नॉट अवेल्ड अब देखो अगर ये डेबिट नोट का आई टी सी हम ले लेते ओके आई टी सी अवेल्ड तो ओल्ड प्रोविजन आपको ओल्ड यानी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो अमेंडमेंट की पहली है इज अप्लीकेबल अगर आई टी सी आपने ले लिया तो उसका फिनेंशियल ईयर वही माना जाएगा जो ओरिजिनल इन्वाइस का है मतलब क्या मतलब एक एग्जाम्पल यहाँ लेना चाहूंगा लिखना मत ये एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा और वो एग्जाम्पल यहाँ पे ये यह लेना चाहूंगा कि अगर यहाँ ये डेबिट नोट नवंबर की नहीं होती ये डेबिट नोट समझ लो डेट होती यहाँ पे फिफ्टीन जून ट्वेंटी की तो ये तो अगर ये डेबिट नोट फिफ्टीन जून ट्वेंटी का होता तो ये तो आपका सितंबर की ड्यू डेट के पहले डेट होता ये डेबिट नोट का और आप उसका आईटीसी ले लेते अगर आप आईटीसी ले चुके हो तो ठीक है ना फिर इसका रिलेवेंट ईयर कौन सा माना जाएगा तो पुरानी प्रोविजन के हिसाब से इसका रिलेवेंट ईयर ओके यहाँ पे 1920 माना जाता था लेकिन अब हमारी डेबिट नोट आ, यहाँ 20 अक्टूबर के बाद की है अगर हमारी डेबिट नोट 20 अक्टूबर के बाद की है इसलिए ऑब्वियसली मैंने क्रेडिट लिया नहीं होगा क्योंकि मेरे सप्लायर ने हमारी मतलब सप्लायर ने जो डेबिट नोट भेजी वो बीस अक्टूबर के बाद की इसलिए तो मैंने क्रेडिट नहीं लिया होगा अगर मैंने इसका क्रेडिट नहीं लिया हुआ है ध्यान सुनिएगा इसका क्रेडिट अगर मैंने नहीं लिया हुआ है तो वो सिचुएशन में यहां पे आप न्यू प्रोविजन अप्लाई कर सकते हो ओके okay, तो यहां पे अप्लाई कर सकते हो आप न्यू प्रोविजन अप्लाई न्यू प्रोविजन आप न्यू प्रोविजन अप्लाई कर सकते हो और न्यू प्रोविजन के हिसाब से अब इसका रिलेवेंट ईयर इसका रिलेवेंट ईयर ओके रिलेवेंट ईयर ऑफ डेबिट नोट जो माना जाएगा वो अब ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से नहीं रिलेवेंट ईयर 2021 माना जाएगा और 2021 के हिसाब से ध्यान सुनिएगा 2021 के हिसाब से इसका जो आप आईटीसी कंसीडर करोगे इसके लिए टाइम लिमिट मिलेगी और टाइम लिमिट अगले साल की सितंबर की ड्यू डेट यानी जो 2122 है ओके आगे जो आएगा 2122 ओके उसका सितंबर का ट्वेंटी उसका सितंबर का ड्यू डेट या डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल अर्लियर ये आप ले सकते हो आई होप यू अंडरस्टूड बेटा ये समझा समझाया नहीं समझा क्रेडिट नहीं लिया होगा तो आप नए प्रोविजन के हिसाब से ले लो और ले लिया होगा तो छोड़ दो ओके okay, तो यस yes बेटा आपको ये क्लियरली समझ में आया जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड है यस yes, बताइए फटाफट बोलो बेटा फटाफट वेरी गुड चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में है इसको हम ले लेते हैं एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है आधार ऑथेंटिकेशन में बहुत छोटी सी नॉट रिलेवेंट आप प्रायोरिटी बी में रख सकते हो एग्जाम में नहीं पूछेंगे जो प्रायोरिटी ए वाली अमेंडमेंट से मैं आपको बता दूंगा और वो बहुत कम है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है सेक्शन ट्वेंटी फाइव सिक्स डी में कुछ ऐसे यहाँ पे रजिस्टर पर्सन दिए थे जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है वो कौन कौन लोग हैं ओके नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोकल ऑथोरिटी स्टेचुटरी बॉडी पी और जो यू वाले हैं ओके okay, जो यू वाले हैं इनको अदर ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है ओके okay, अब देखो क्या था इसमें अमेंडमेंट क्या हुई अमेंडमेंट ये हुई कि प्रोविजन में ये लिखा था यानी सेक्शन 25 फाइव सिक्स डी में ये लिखा था कि सिक्स बी और सिक्स सी जो है ये इनको अप्लाई नहीं हुआ होगा सिक्स ए के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था अमेंडमेंट ये है सिक्स ए एड हुआ सर ये सिक्स ए सिक्स बी सिक्स सी आपको लगता है कि हमें ये याद रहेगा नहीं रहेगा ओके okay, इसलिए मैं आपको आधार ऑथेंटिकेशन का चार्ट याद दिला देता हूं अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन का चार्ट देखा होगा तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया था जिसमें सेक्शन ट्वेंटी फाइव सिक्स ओके यहाँ पे और उसके बाद में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनका आधार ऑथेंटिकेशन कैसा होगा यह मैंने आपको पढ़ाया था और उसके बाद में सेक्शन ट्वेंटी फाइव ओके सेक्शन ट्वेंटी फाइव सॉरी अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो उसमें दो पार्ट थे ओके सेक्शन ट्वेंटी फाइव सिक्स बी ओके यानी आप इंडिविजुअल होगे और आप अदर होगे सेक्शन ट्वेंटी फाइव सिक्स यानी आप हो तो आपको 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 ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन कैसे करना पड़ेगा पड़ेगा इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था 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 अगर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो 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 करवाना ठीक है अब देखो मैं ये ये बता तो इसमें क्या था कि ये तो क्लियर था कि क्लियर और 6C, मतलब अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लिखना है तो लिख देना और तो ऐसे केस में क्या था कि सिक्स बी और सिक्स सी अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है ओके okay, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है लेकिन यहां पे जहां तक देखा जाए सिक्स ए सिक्स ए जो है तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है लोकल ऑथोरिटी है पीएसयू है और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्या इनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा क्या तो वो पहले नहीं था अब उन्होंने सिक्स ए भी यहां ऐड कर दिया है मतलब 6A करने का मतलब यह हुआ है कि अगर ये जो यहां एक्सेप्शन में एक्सेप्शन में पर्सन दिए है इनको यहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए तो भी इनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है आई रिपीट ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए तो भी ये ओके आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है यानी अब ये एक्सेप्शन तीनों के लिए आ चुका है सिक्स ए सिक्स बी और सिक्स छोटा okay, सा amendment है. Okay, exam में तो MCQ में पूछा तो वगैरह पूछेंगे. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई सवाल आपको पूछा जाएगा Now, next, ये भी एक प्रोसीजरल छोटी सी अमेंडमेंट है ओके okay, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई सवाल पूछेंगे प्रायोरिटी बी ओके प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन देखिए टाइटल देखिएगा टाइटल पढ़ता हूं एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय अ बायिस्टर्ड पर्सन परमिटेड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम ओके प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन पहले तो ये प्रोविजन आपका पढ़ा देता हूं अगर यहां पे प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे बहुत सारे रीजन है ओके okay, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप रिटर्न कंटिन्यूस फॉर सिक्स टैक्स पीरियड आपने फाइल नहीं किया तो ऐसे केस में ऑफिसर ने आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया तो आप ऑफिसर के पास जा सकते हो क्षमा याचना करो कि सर हम फाइल कर देंगे आपके जो भी पूरे कर देंगे हमारा दिया का, हमारा कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन हमें फिर से बहाल कर दो वापस दे दो ओके तो ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो चलिए ऑफिसर आपकी रिक्वेस्ट मान लेगा और आपको रिवोक कर देगा इसमें क्या अमेंडमेंट हुई है बड़ी छोटी सी अमेंडमेंट हुई है ओके टाइम पीरियड था रिवोकेशन का थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन मतलब क्या आपको अगर अपना कैंसिल किया हुआ रजिस्ट्रेशन आपको अपना कैंसिल किया हुआ रजिस्ट्रेशन फिर से रिवोक करना है तो आप 30 दिन में अप्लाई कर सकते हो ओके और 30 दिन में अप्लाई करने के बाद आपको फिर से बहाल कर दिया जाएगा आपका कैंसिल किया हुआ रजिस्ट्रेशन नाउ यहां पे एक्सटेंशन का पावर सिर्फ एडिशनल कमिश्नर को ही था लेकिन अमेंडमेंट की गई और ये एक्सटेंशन का पावर ज्वाइंट कमिश्नर और एज द केस में भी ओके okay, और the joint commissioner और द द कमिश्नर कमिश्नर एज केस में भी इन एक्सरसाइज द पावर ऑफ सेक्शन 31 अब देखो आपको ये बता देता हूं सेक्शन 31 वन okay, ओके यहां पे 1 जनवरी दो से सेक्शन 31 अमेंड किया गया था बाय फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी और उसमें ये कहा गया था कि अब ये पावर जो है ये एक्सटेंशन की पावर ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर को भी मिलना चाहिए तो सेक्शन तो अमेंड हो चुका था पर सेक्शन के साथ साथ रूल अमेंड करना बाकी था इसलिए रूल में भी ये छोटी सी अमेंडमेंट कर दी जो ओके okay, यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से की गई आ, टू गिव द इफेक्ट ऑफ अमेंडेड सेक्शन और उसमें रूल में भी कह दिया गया कि चलो अब यह पावर एडिशनल कमिश्नर के साथ साथ ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर को भी यह पावर रहेगी जिसका ट्यूटर नोट मैंने नीचे दिया है ओके दैट ऑल ओके इतनी सी अमेंडमेंट है कि अब यह एक्सटेंशन का पावर ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर के पास भी रहेगा डन okay? ये चैप्टर की अमेंडमेंट यहां एंड होती है ओके okay, दो छोटी सी अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पर मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट फ्रॉम जीएसटी वैसे ये है तो दो तीन पेजेस बट बट बद छोटी छोटी अमेंडमेंट है ओके okay, तो वो भी आपको पढ़ा देता हूं आर यू रेडी यस और चलिए हेल्थ केयर हेल्थ केयर में आपको याद होगा तो पहला ही हमारा एग्जामेशन है और ये एग्जाम्शन में ये है कि अगर कोई प्रोफेशनल यहाँ पे रिहेबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग सर्विस दे रहा है और वो कहाँ ये सर्विस दे रहा है ओके okay, वो दे रहा है यहाँ पे मेडिकल एस्टेबलिशमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या कोई भी ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का है अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन ट्वेल्व ऑफ इनकम टैक्स था कवर तो ही था लेकिन अब उन्होंने वहां वहां उन्होंने छोटी सी अमेंडमेंट है यानी जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगी वो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ये ओके okay, यहाँ पे एग्जामिशंस के बेनिफिट ले सकती है मतलब उनके सेंटर्स पे अगर कोई भी प्रोफेशनल्स ये रिहेबिलिटेशन थेरेपी या काउंसलिंग करता है तो उसको एग्जीशन दिया जाएगा ठीक है तो सिंपल वर्ड में अगर इसका एक छोटा सा टेबल बनाओ यानी ये जो एक पेज का पूरा है, इसका छोटा सा टेबल बनाओ तो एक लाइन में कहो कि जहाँ ट्वेल्व ए है उसके साथ ट्वेल्व ए भी ऐड कर दिया है तो अब आपका सवाल आएगा कि सर ट्वेल्व ए एक कौन कौन से में कवर किया है एक तो एक प्रोफेशनल सर्विसेज में कवर किया उसके बाद चैरिटेबल एक्टिविटीज आपको याद होगा तो मैंने एक स्टोरी आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाई थी और वो स्टोरी कौन सी पढ़ाई थी बहुत अच्छी स्टोरी थी बाहुबली की तबीयत खराब हुई हेल्थ केयर सर्विसेज पूजा पाठ में लग गया चैरिटेबल और रिलीजियस कुछ याद आ रही है वो स्टोरी याद आ रही है तो जरूर लिख के कहिएगा हाँ सर बिल्कुल बहुत अच्छे से याद आ रही है तो चलिए

तो जो भी यहाँ पे प्रिसिंगस ऑफ रिलीजियस प्लेस जैसे मैंने शिरडी साहिब बाबा का एग्जाम्पल लिया था शिरडी बाबा के एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि जो भी प्रिसिंग एरिया है ओके फिर धर्मशाला हो शॉप्स हो कम्युनिटी हॉल हो वो जो रेंट पे दिया जा रहा है तो उसको कुछ लिमिट तक एग्जाम्सन था ओके आपको याद होगा तो वन थाउजेंड बिलो वन थाउजेंड बिलो टेन थाउजेंड पर डे या बिलो टेन थाउजेंड पर मंथ अलग अलग केस में जैसा रूम है कम्युनिटी हॉल है या बिजनेस प्लेस है तो वो एग्जम्शन दिया गया था तो वहां पे आपको याद होगा तो कौन सी चैरिटेबल ओके okay, वर्ड है कि ये जो रिलीजियस प्लेस है ओन कंट्रोल और मैनेज बाय ओके बाय सच चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो सेक्शन ट्वेल्व ए ए में होनी चाहिए उसके साथ साथ उन्होंने ट्वेल्व ए बी भी एड कर दिया है इतनी छोटी सी अमेंडमेंट हुई है साथ साथ में ट्वेल्व ए बी भी एड कर दिया गया दैट्स ऑल हो गया अमेंडमेंट खत्म ओके उसके बाद में नेक्स्ट बेटा एग्ज्शन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर ओके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक एग्जाम्शन था जो सीरियल थारक्राफ्ट से या वेसल से फ्रॉम इंडिया टू तो आउटसाइड इंडिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बायरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियस इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया या फिर वो वेसल से होगा यानी स्पेशली एक्सपोर्ट गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन था फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया उसके ट्रांसपोर्टेशन का जीएसटी कर दिया था गो एक्शन अपलिकबल था एक्सटेंशन दे, दे दिया है और अब यहाँ पे दो हजार बाईस तीस सप्टेम्बर दो हजार बाईस तक एक्सटेंशन दे दिया है एक साल से एक्सटेंशन बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया है ओके okay, दोनों केस में चली उसके बाद में जहां तक एंटरटेनमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करू तो एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी हमने ये देखा था कि अगर ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अगर होगा तो एग्जाम होगा ओके okay, फिर वो आर्ट और कल्चर हो दूसरा स्पोर्ट्स हो अब मैंने पढ़ाते वक्त आपको ये कहा था कि अगर वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी तो स्पोर्ट्स का यहां पे अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विस देती है तो एग्जामेशन हाँ आर्ट और कल्चर कोई भी एग्जामेशन देता है आर्ट और कल्चर कोई भी एग्जामेशन देता है सॉरी आर्ट और कल्चर कोई भी पर्सन ये सर्विसेज देता है रिक्रिएशनल एक्टिविटी का तो उसको एग्जम्शन तो था ही लेकिन जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट्स को यहां एग्जामेशन तभी था ट्रेनिंग और कोचिंग में अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो और सेक्शन ट्वेल्व ए एफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर हो तो अब उन्होंने ट्वेल्व ए के साथ यहाँ पे ट्वेल्व ए बी भी एड कर दिया गया ये छोटी सी अमेंडमेंट हुई है उसके बाद में यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्टर में जैसे कोविड के वजह से यहाँ पे जो फीफा यू सेवेंटीन वुमेंस वर्ल्ड कप 2020 था जिसको एग्जाम्पन दिया था अगर ये कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या इनको भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड होती है तो जो एग्ज़म्पन दिया गया था तो कोविड में ये वर्ल्ड कप नहीं हो पाया तो इसके लिए इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया कि वेनएवर री शेड्यूल यानी ये वर्ल्ड कप जब भी होगा ओके और ये सर्विसेज बाय और टू फेडरेशन यहाँ पे इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन ओके okay, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या इनको प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड कप अब कोविड के बाद जब जब भी रीशेड्यूल होगा तब ये सर्विसेज बाय और टू जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होगी ओके okay, वो एग्जम्पशन में रहेगी तो यहां अमेंडमेंट क्या हुई तो यहां अमेंडमेंट सिर्फ एक वर्ड ऐड किया गया और वो व्हेनेवर रीशेड्यूल ये वर्ड ऐड किया गया है चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में ओके okay, जैसे ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और बाय एंटिटी रजिस्टर्ड रजिस्टर अंडर सेक्शन 12 ए साथ साथ में 12 ए भी ऐड कर दिया गया अगर आपको याद होगा तो एक एग्जाम्शन uh, हमने देखा था और वो था वृद्धाश्रम का ओल्ड एज होम अगर ये ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा स्टेट गवर्नमेंट का होगा या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का होगा जिसमें पर मंथ कंसिडरेशन जो है वो ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ या उससे कम होगा यानी अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड होगा जो कवर करता है लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस ओके लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस एंड मेंटेनेंस चार्जेस ओके पच्चीस हजार तक या उसके नीचे होगा तो एग्जम्पन होगा उसके ऊपर होगा तो एग्जम्पन नहीं मिलेगा तो यहां पे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कवर्ड थी वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सेक्शन 12 ए की कवर्ड थी अब उसमें क्या ऐड कर दिया उन्होंने उन्होंने 12 ए भी ऐड कर दिया बस दैट्स ऑल ओके इतना एग्जामेशन हुआ कि 12 ए के साथ साथ 12 ए बी भी ऐड कर दिया है नाउ अब मुझे जो लगता है जिस पे सवाल पूछ सकते हैं ये वाला एग्जामेशन प्रायोरिटी ए में रखना और इसके पहले वाले तो छोटे छोटे जिसमें ए के साथ साथ ए भी एड हुआ और लेकिन ये मैं थोड़ा समझा देता गवर्नमेंट के जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पर अगर इनवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ओके स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को दिया गया ओके यानी इन गवर्नमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और इनवाइस ओके इनको दिया गया जिसमें ओके okay, गवर्नमेंट यहां पे पहले था कि टोटल एक्सपेंडिचर सुनिएगा पहले ये था कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी करती है तो एग्जम्पन यानी पूरा बिल का पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है तो एग्जम्पन अब उन्होंने थोड़ा इसको यहां पे रिलैक्स कर दिया है और ये कहा है कि टोटल नहीं अगर 75 परसेंट और मोर अगर उसमें गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम है लेकिन कुछ वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब एम्प्लॉय से भी पैसा लेती है और कि भाई एम्प्लॉ 25 परसेंट दे दे 20 परसेंट दे दे बाकी गवर्नमेंट देगा बाकी गवर्नमेंट देगा तो ऐसे केस में <coughs> यहाँ पे पहले एग्जामेशन तभी था जब टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है लेकिन अब उन्होंने टोटल की जगह वर्ड लाया गया सेवेंटी और मोर यानी यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन सेवेंटी या उससे ज़्यादा होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो भी बंदा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है जैसा मैं मैं जीएसटी डिपार्टमेंट का अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं और जिसमें सेवेंटी फाइव परसेंट उससे ज्यादा बिल गवर्नमेंट दे रही होगी तो मुझे उस सर्विस का एग्जीबन मिल जाएगा ओके आई होप यू अंडरस्टूड तो यहां ये यह चेंज हुआ है उसके बाद में यहां पर <coughs> हाँ इस पे एक पर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है प्रायोरिटी ए प्लस लीजिंग ऑफ अ ऑफ इंडियन रेलवे

पहले एग्जाम था अब यह विद्रॉ कर लिया है मतलब ये टैक्सेबल किया जाएगा सिंपल इस बार की अमेंडमेंट बहुत सिंपल है मैं आपको पहले ही कह देता हूं कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं ओके okay, बस कुछ आगे थोड़ा बहुत आएगा वो आएगा अदरवाइज बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स है ठीक है नाउ कुछ एग्जामेशन न्यूली इंसर्ट हुए पर वो भी प्रायोरिटी बी में ओके okay, वो कौन से सर्विस प्रोवाइडेड बाय और टू एशियन फुटबॉल को फेडरेशन देखो सर्विस प्रोवाइडेड बाय और टू एशियन फुटबॉल को फेडरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज यानी वो प्लस उनके सब्सिडरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट अंडर ए एफ सी वुमेन एशिया कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू बी होस्टेड इन इंडिया ओके वही फुटबॉल जैसा हमने एशियन फुटबॉल वर्ल्ड कप को दिया वैसे ये जो फुटबॉल ओके ए एफ सी वुमेंस एशिया कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू का जो इंडिया में होने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ओके okay, वो जो वो जो फेडरेशन को फेडरेशन जो भी सर्विसेज देगा या लेगा या उसकी सब्सिडरीज जो होगी डायरेक्टली और इंडायरेक्टली सर्विस देगी और लेगी ये सब जो है एग्जम्ड रहेगी प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स सर्टिफाई दैट सर्विसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इवेंट्स ऑफ एफ सी एशिया कप पर ओके okay, अगर एग्जामेशन लेना है तो ये सर्टिफाई करके लाना पड़ेगा ओके okay, या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ओके उनके डायरेक्टर से कि भाई हाँ ये जो है इस इवेंट के लिए यूज किया गया अगर सर्टिफाई कर देता है तो उस सर्विस को एग्जामेशन दे दिया जाएगा दूसरा ओके सर्विस बाय राइट टू एडमिशन यानी जो टिकट चार्जेस है तो ये जो टिकट चार्जेस है बेटा ए वुमेन एशिया कप के तो उसको भी एग्जामेशन दिया जाएगा उसके बाद में ओके नेक्स्ट सर्विस बाय ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट हाँ ये प्रायोरिटी ए प्लस में रखना मुझे लगता है ये आ सकता है आपने बहुत सी बार ट्रक पे देखा होगा नेशनल परमिट है ओके okay, तो इसकी नेशनल परमिट लेने की फीस लगती है पहले उसके ऊपर जीएसटी आता था अब उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा तो देखिए सर्विसेज बाय ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट अंडरलाइन ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज और टू ऑपरेट टू आउट ऑफ इंडिया और कॉन्टीजियस स्टेट तो इसके जो भी फीस लगती थी नेशनल परमिट की स्पेशली गुड्स कैरेज की इंडिया और इंडिया के बाद या कॉन्टीजियस स्टेट दो स्टेट तीन स्टेट्स में तो नेशनल परमिट फीस पे अब कोई जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों तो चलिए यहां तक तो हमने देखा कौन से एग्जामिशंस में अमेंडमेंट हुई है कौन से एग्जामिशन्स एड किए गए हैं इसमें मुझे अगर लगता है क्वेश्चन आएगा तो इसपे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में क्स्ट uh, एक ओके okay, कुछ क्लैरिफिकेशन है एग्जामेशन से रिलेटेड वो क्लैरिफिकेशन भी यहां ले लेता हूं कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ यहां पे जस्ट रीड करके चले जाना ओके okay, यहां तक आपको समझ में आया सभी जिसको भी समझ में आया होगा यस कहिए बेटा आपको आया समझ में चलो <coughs> एक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेस यहां पे ले लेते वेदर सर्विस ऑफ फूड इन स्कूल अंडर मिड डे मील स्कीम वुड बी एग्जाम इफ सच सप्लाईज आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट और कॉरपोरेट डोनेशन चलिए और स्पेशली अंगनवाड़ी ओके okay, अंगनवाड़ी या स्कूल्स को दिया जा रहा है प्री स्कूल अब मैं आपको एजुकेशन सेक्टर का एग्जामेशन बता देता हूं अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी उसमें आपको याद होगा तो प्री स्कूल प्री स्कूल और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी जैसे कोई भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऐसे करिकुलम में एजुकेशन दे रही है जो सर्टिफाइड बाय लॉ है ओके okay, और नेक्स्ट अप्रूव वोकेशनल कोर्सेस और यहां पे जो सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड है उनका टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाएगा ऐसे और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी जिसमें हमने ये देखा था कि तीन सर्विसेस पहली ट्रांसपोर्टेशन आपको याद होगा तो दूसरी यहाँ पे ओके कैटरिंग सर्विसेज आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम के तहत ओके या तीसरी सिक्योरिटी सर्विसेज ओके ये तीन सर्विसेज अगर प्री स्कूल को दिया गया या हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया गया तो उसको एग्जम्पन था उसको एग्जाम्पन था अगर आपको याद होगा ओके याद तो करना ही पड़ेगा बेटा क्योंकि अमेंडमेंट बैच है अमेंडमेंट बैच अगर आप कर रहे हो इसका मतलब ही है कि आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो तो उसको यहाँ पे एग्जामेशन था तीन केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ आउटडोर कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम और और पे थर्ड जो था वो था वो सिक्योरिटी वगैरह सर्विसेज प्री स्कूल इन ये तभी अवेलेबल था अगर ये प्री स्कूल को दिया गया नाउ पॉइंट नंबर टू मैं ये कहना चाहता हूं इसमें जो आउटडोर कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम इशू क्या था ओके okay, ये क्लैरिफिकेशन में कि पहले कोई कॉन्ट्रैक्टर है ओके okay, जो आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज दे रहा है ओके okay, और किसको दे रहा है आंगनवाड़ी तो क्या आंगनवाड़ी प्री स्कूल में आएगा पहला सवाल ये था कि आंगनवाड़ी प्री स्कूल माना जाएगा क्या प्री स्कूल मतलब फर्स्ट के पहले और ये जो है इसको पहले तो ये आंगनवाड़ी को दे रहा है आंगनवाड़ी को दे रहा है और दूसरा यहां पे ये था कि इसको जो डोनेशन है गवर्नमेंट फंडेड नहीं है कॉरपोरेट डोनेशन है समझ लो कॉरपोरेट डोनेशन है तो क्या ये एग्जामेशन मिलेगा क्या तो क्लैरिफिकेशन देखो क्या है वैसे लीगल प्रोविजन तो मैंने आपको बता दी अभी मैंने एक्सप्लेन की आपको लीगल प्रोविजन मैं डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन पे आता हूं ये क्लैरिफिकेशन क्या है इट इज क्लैरिफाइड दैट सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आई रिपीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील इज एक्सम फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी इक्टिव ऑफ फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट और कॉर्पोरेट डोनेशन यानी ये क्लियर कर दिया ओके भाई फंडिंग किसी से भी हो फंडिंग किसी से भी हो कारपोरेट से हो या गवर्नमेंट से हो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कैटरिंग सर्विस मिड डे मील स्कीम के अंदर या अदर कैटरिंग सर्विस भी प्री स्कूल को और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल को देते हो तो एग्जाम फंडिंग कोई भी करे तो चलो ये बात भी क्लियर होगी दूसरा क्लैरिफिकेशन ये था कि डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स आंगनवाड़ी भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूश आंगनवाड़ी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आती है क्या तो बिल्कुल आती है ओके okay, क्योंकि प्री स्कूल का है तो आंगनवाड़ी भी आएगी और यस बेटा आंगनवाड़ी को अगर मिड डे मील स्कीम के तहत या कोई भी आउटडोर कैटरिंग सर्विस दिया गया तो यहाँ पे उसको एग्जिमिशन मिलेगा ये क्लैरिफिकेशन प्रायोरिटी बी में रखना कुछ सिंपल है कि भाई डोनेशन कोई भी ओ, हो कॉरपोरेट हो या गवर्नमेंट हो आपको ये एग्जीमिशन मिलेगा उसके बाद में ये सेकंड क्लैरिफिकेशन है ये भी आप प्रायोरिटी बी में रखिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है मैं सी नहीं कह रहा हूँ पढ़ के तो जाना है देखो यहां पर वेदर वेरियस सर्विस सप्लाइड बाई गवर्नमेंट सप्लाइड एज फॉलोइंग बाई सेंट्रल और स्टेट बोर्ड सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आर टैक्सीबल अंडर जी एस टी और नॉट ओके देखिए अभी अभी मैंने आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन बताई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहले स्कूल्स आती हैं स्कूल्स आती है जिसमें प्री स्कूल और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल वो कवर होता है दूसरा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आते हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आते हैं Okay, तीसरा अप्रूव वोकेशनल कोर्सेस आते हैं वोकेशनल कोर्सेस और लास्ट लास्ट अगर आपको याद होगा तो यहां पे सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड आते हैं एजुकेशनल बोर्ड आते हैं लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये सेंट्रल और एजुकेशनल बोर्ड जो है ये सेंट्रल और एजुकेशनल बोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन

Uh, यानी ये सारी एक्टिविटी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं माने जाएंगे ये सिर्फ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे और हमने ये देखा था कि ऑनलाइन इसको ये अब अगर आपको चार्ट याद होगा तो तीन ऐसी सर्विसेस अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड होती है ट्रांसपोर्टेशन आउटडोर कैटरिंग और आपको चार्ट याद होगा तो ट्रांसपोर्टेशन आउटडोर कैटरिंग और तीसरा सिक्योरिटी या हाउस कीपिंग सर्विसेस ये जो एग्जामिशन था यह सिर्फ स्कूल के लिए था यह सिर्फ स्कूल के लिए था ठीक है उसके बाद में कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह जो है ओके हाँ एडमिशन सर्विस कोई एडमिशन से रिलेटेड होगा और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा एग्जाम से रिलेटेड होगा तो ये जो है बेटा यहां पे, ये सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को था और एक ऑनलाइन ऑनलाइन पेरियोडिकल जर्नल्स पेरियोडिकल और जर्नल्स अगर आपको ये याद होगा तो ये तीनों के लिए था ये सबके लिए था ये जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी सबके लिए था ठीक है तो ये तीन एग्जामिशन स्पेसिफिकली स्कूल के लिए था कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिशन ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए था ओके और ये ऑनलाइन पीरियडिकल जर्नल्स वगैरह सब सबके लिए एग्जामिशन में था तो सवाल क्या है यह देखिए वेदर वेरियस सर्विस सप्लाइड एज बाय सेंटर और स्टेट बोर्ड सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी ठीक है अब मैं थोड़ा और आपको एक बता दूं बैकग्राउंड में ये तो था सर्विस प्रोवाइडेड टू ये तो हमने देखा वो सर्विस प्रोवाइडेड टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय बाय में ये था कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ को दे एनी सर्विस एनी सर्विस स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दे तो वो एग्जाम रहेगा और दूसरा था एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस आती है उसका एक्सेप्शन था इसके अलावा बाकी सब सर्विसेज अगर ये प्रोवाइड करते हैं तो टैक्सेबल है अब हमारा क्लेरिफिकेशन कहाँ पे हमारा क्लेरिफिकेशन ये है ये एरिया में कि सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स है ध्यान से देखिएगा सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स है और ये सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड जो है ये क्या सारी एक्टिविटी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान के एक्सामिशन आएगा या ओनली टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनपुट सर्विस इनपुट सर्विस टेकन फॉर कंडक्ट सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स थर्ड एक्डेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल टू ऑथराइज टू प्रोवाइड द रिस्पेक्टिव सर्विसेज और अदर सर्विसेज तो अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई वन टू थ्री फोर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चार्जिंग फीस ठीक है बाय चार्जिंग फीस अब देखो यहां पे क्लैरिफिकेशन <coughs> क्या है कि अगर ये यह यहां पे सेंट्रल और स्टेट बोर्ड है सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबी एक्सेट्रा तो लीगल प्रोविजन में ये दिया था स्पेशली मैं सेकेंड वाला पढ़ूंगा लीगल प्रोविजन में दिया था सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड शाल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट ओके तो यहाँ पे अगर वो हां वो सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा कौन सा लिमिटेड पर्पज के लिए एजुकेशन माना जाएगा तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इसलिए अगर वो एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं है, तो वो उनका अगर वो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इनपुट सर्विस भी लेते हैं इनपुट सर्विस टेकन फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो भी एग्जाम रहेगा हाँ लेकिन उनकी जो एक्रीडेशन प्रोग्राम्स हैं या अदर सर्विसेस है I, I repeat, प्रोग्राम्स और अदर सर्विसेस है ओके okay, तो वो सारी टैक्सेबल होगी आई रिपीट वो सारी टैक्सेबल होगी मतलब क्या मतलब ये यह कि यहाँ पे सेंट्रल्स और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड ध्यान सुनिएगा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे

ओके okay, ये ऑनलाइन पीरियडिकल ये सिर्फ कॉलेज के लिए एग्जाम मेरे मेरी समझाने में यहां गड़बड़ होगी ये सिर्फ कॉलेज के लिए एग्जाम और ये एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये तीनों के लिए एग्जाम है ये तीनों के लिए ऑनलाइन पीरियडिकल सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए ही एग्जामेशन है और ये एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कोई दूसरा सर्विस दे रहा है तो ये सबके लिए एग्जाम है

इनकी ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन छोड़ के बाकी कोई भी सर्विसेज होगी वो एक््रिडेशन प्रोग्राम हो या अदर सर्विसेज हो वो सारी टैक्सेबल होगी यह क्लैरिफिकेशन यहां पे दिया गया है ठीक है चलिए आई होप आपको यह क्लैरिफिकेशन समझा होगा डन उसके बाद में नेक्स्ट एग्जामिशन इन गवर्नमेंट सेक्टर यहां पर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अपलीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ठीक है सबसे पहले तो आपको एक लीगल प्रोविजन समझा दू और वो लीगल प्रोजन यह है कि सर्विस सप्लाइड बाई एक्सेस टू रोड और ब्रिज इज एक्सम वेदर कंसिडरेशन इज इन फॉर्म ऑफ टोल और एन्यूटी आपको याद होगा तो दो ऐसी एग्जामेशन वाली एंट्री है दो ऐसी एग्जाम्शन वाली एंट्री है ठीक है दो ऐसी वाली एंट्री है 23 थी थी और 20 आप टोल चार्जेस पे करते हो तो वो एग्जाम अगर आप टोल चार्जेस पे करते हो तो एग्जाम किया पूरे साल भर का यहाँ पे डेफर्ट पेमेंट किया एन्यूटी दे रहे हो तो एग्जाम स्पेशली टोल चार्जेस रिलेटेड लेकिन उसमें जो कहा गया वो ये कहा था एक्सेस टू रोड और ब्रिज आई रिपीट एक्सेस टू रोड और ब्रिज तो उसको एग्जामेशन दिया जाएगा Now, सवाल ये था कि अगर एन रोड का है क्लैरिफिकेशन तो तो आया कि जो एग्जामेशन दिया गया वो एक्सेस टू रोड और ब्रिज को दिया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को नहीं दिया गया इसलिए अगर आपका एन्यूटी पेमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का है तो उसको कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगा देखो

या स्टेट गवर्नमेंट अपने कोई भी डिपार्टमेंट को लोन दिया गया बैंक फाइनेंस कर रही है या बैंक पीएस पीएसयू को फाइनेंस कर रही है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है तो बैंक उसकी गारंटी लेती है और यहाँ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटी देता है लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटी देने की फीस लेता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या पीएसयू से ओके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का है, तो उसकी फीस लेता है तो क्या वो फीस पे जीएसटी आएगा तो एक एग्जाम्शन है और एग्जाम्शन ये है एंट्री नंबर थर्टी फोर ए में कि अगर यहां पे गारंटी के फीस होगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा और जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट गारंटी लेती है तो सवाल सीधा था जो एग्जामेशन में ऑलरेडी कवर्ड है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई पी को फाइनेंस किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग को फाइनेंस किया जा रहा है और अंडरटेकिंग या पी को जो फाइनेंस हो रहा है उसकी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ले रही है और ये स्टेट गवर्नमेंट उसकी फीस चार्ज कर रही है उस अंडरटेकिंग को या पी को तो उसके ऊपर एग्जाम्पन मिलेगा क्या तो सीबीआईसी ने कहा यस ये तो स्ट्रेट है बिल्कुल एग्जाम्शन मिलेगा वो केस में तो इस तरह से यहां पे ओके okay, ये भी जो एग्जाम्शन था क्लैर से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन था हमने कवर कर लिया उसके बाद में यहां खो ये भी प्रायोरिटी बी में रखना नॉट सो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन माइलिंग ऑफ वीट इंटू फ्लोर और पैडी इंटू राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक है ये क्लैरिफिकेशन लेने के पहले मैं आपको एक एग्जामेशन पहले समझाऊंगा एज पर एंट्री नंबर थ्री है एंट्री वगैरह एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टेटरी और लोकल ऑथॉरिटी और गवर्नमेंटलिटी गवर्नमेंट एनटीटी बाई वे ऑफ एक्ट एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर टू फोर्टी थ्री जी और टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू फॉर म्यूनसिपलिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थोड़ा सिंपल वे में समझा देता हूं एग्जामेशन क्या है एग्जामेशन ये है कि अगर कोई ऐसे फंक्शंस है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 243 जी में जो पंचायत के फंक्शंस है या आर्टिकल 243 फोर्टी थ्री डब्ल्यू जो म्यूनसिपैलिटी के फंक्शंस हैं उस फंक्शंस उस कार्यों के लिए अगर यहाँ कोई इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर ऐसे फंक्शन जो पंचायत के है और ऐसे फंक्शन जो म्युनसिपैलिटी के है उस कार्यों के लिए अगर इंडिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यहां पे कंपोजिट सप्लाई करता है गुड्स प्लस सर्विस का आई रिपीट कंपोजिट सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस का किसको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल गवर्नमेंटल गवर्नमेंटलिटी गवर्नमेंट एंटिटी को ओके okay, ओके तो इन कार्यों के अंडर okay, अगर ये सप्लाई गवर्नमेंट को किया जाए गवर्नमेंट एंटिटी को किया जाए गवर्नमेंट ऑथोरिटी को किया जाए इंडिया का कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा है तो उसको एग्जामेशन रहेगा अब ये सप्लाई कंपोजिट है आई रिपीट ये सप्लाई कंपोजिट है तो उसमें एक शर्त है और शर्त ये है कि उसमें गुड्स का एलिमेंट 25 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जम्ट है आई रिपीट प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जम्ट है लेकिन यहां पे अगर ये कंपोजिट है गुड्स प्लस सर्विस का तो 25 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए गुड्स का एलिमेंट तो एक्जम्पन मिलेगा ठीक है तो अब सवाल यह है कि ये जो व्हीट और राइस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन जो होता है ओके okay, तो हम यहाँ पे र, जो ये फंक्शन है वो आर्टिकल 240 243 जी में स्पेसिफाइड है राशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड है और उसके लिए मैं यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ कंपोजिट सप्लाई है और गुड्स प्लस सर्विस का सप्लाई तो क्या मुझे एग्जाम्शन मिलेगा जैसे मैं वीट ओके माइलिंग ऑफ वीट इंटू फ्लोर और पैडी इन टू राइस फॉर ओके ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ओके इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई के लिए मैं फ्लोर बना के दे रहा हूँ मैं पैडी टू राइस बना के दे रहा हूँ तो क्या ये मेरी सर्विस जिसके साथ साथ गुड्स भी है ओके okay, क्या एग्जम्प्ट है ओके okay, यानी मिलता है ना राशन में आपको आटा भी मिलता है राशन में आपको राइस भी मिलता है और वो राशन के राइस राशन का आटा उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है जिसमें मैं कन्वर्ट भी करूँगा और ये गुड्स भी सप्लाई करूँगा

पैडी टू राइस कन्वर्जन भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं आता है इसलिए उसको भी एग्जेशन नहीं है अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ोगे तो वहां तो मुझे एग्जम्पन नहीं मिला लेकिन ये एग्जाम क्या है कि कोई भी मैं गुड्स गुड्स प्लस प्लस सर्विस सर्विस का supply, का सप्लाई सप्लाई ध्यान सुनना साथ में कर रहा हूं और ये पीडीएस के केस में कर रहा हूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कर रहा हूं और कि जो आर्टिकल 243 जी के तहत आते हैं तो क्या मुझे एग्जम्पन मिलेगा अगर मैं कंबाइन सप्लाई कर रहा हूं जिसमें गुड्स या राइस या गुड्स या राइस ये 25 परसेंट से ज्यादा नहीं है यानी गुड्स का एलिमेंट 25 परसेंट से ज्यादा नहीं है तो एग्जेंशन मिलेगा तो क्लैरिफाई क्या हुआ कि भाई आप ठीक है आप सप्लाई कर रहे हो पर ये देखिए कि आपके टोटल वैल्यू में पैडी का प्राइस या गुड्स का प्राइस या उसका एलिमेंट ट्वेंटी से ज्यादा नहीं होगा तो एग्जेंशन मिल जाएगा तो यहाँ क्लैरिफिकेशन बस इतना ही आया कि भाई यहां पे ट्वेंटी से ज्यादा है Uh, आप निकालो गुड्स का एलिमेंट कितना है अगर 25 से ज्यादा है तो ट्वेंटी मिलेगा अगर 25 परसेंट से ज्यादा होगा तो आपको जीएसटी लग जाएगा दैट्स ऑल तो ये वेक क्लारिफिकेशन है मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछेंगे दैट्स ऑल ये हमने देखा इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया बेटा एग्जम्शन चैप्टर डन चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आईजीएसटी एक्ट 2017 के अमेंडमेंट्स ओके आईजीएसटी एक्ट 2017 के अमेंडमेंट्स इसमें एक सेक्शन है थर्टीन थर्टीन थ्री प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जैसा आपको याद होगा तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपको याद होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेस सप्लाई ऑफ गुड्स रिलेटेड सेक्शन टेन और सेक्शन एलेवन ये दो सेक्शन लागू होते हैं और सप्लाई ऑफ सर्विस से रिलेटेड सेक्शन ओके सप्लाई ऑफ सर्विस होगा जिसमें दोनों पार्टी ओके okay, दोनों पार्टी यहाँ पे इंडिया इन, में होगी तो सेक्शन 12 लगेगा और एटलीस्ट एक पार्टी इंडिया के बाहर होगी तो सेक्शन 13 लगेगा एटलीस्ट एक पार्टी इंडिया के बाहर होगी तो सेक्शन 13 लगेगा डन चलिए अब यहां पे देखो क्या है कि सेक्शन 13 13 मतलब इस पहले सोच के चलना कि मैं सेक्शन 13 ले रहा हूं मतलब एटलीस्ट एक पार्टी इंडिया के बाहर है ठीक है एक पार्टी इंडिया के बाहर है तो अब ऐसे सिचुएशन में एक लास्ट वाला सबसेक्शन उन्होंने रखा है मतलब थर्टीन टू थर्टीन थ्री थर्टीन फोर थर्टीन फाइव ऐसे अलग अलग केस में उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया हुआ है लेकिन थर्टीन थर्टीन क्या रखा है मैं पहले प्रोविजन पढ़ता हूँ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और यूनिफॉर्म अप्लीकेशन ऑफ रूल ये तीन बातें अलग अलग है देखो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पहला टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन डबल टैक्सेशन दूसरा टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन या सेकेंड टू प्रिवेंट नॉन टैक्सेशन टू प्रिवेंट नॉन टैक्सेशन या तीसरा ओके यूनिफॉर्म रूल यूनिफॉर्म रूल्स लगने चाहिए तो अगर ये तीन चीजों में किसी भी जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट के पास यह पावर है कि गवर्नमेंट इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंटली बता सकती है ओके okay, प्लेस ऑफ सप्लाई इस ओके okay, नोटिफाई करेगी और जो प्लेस ऑफ सप्लाई नोटिफाई करेगी ओके okay, जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई नोटिफाई करेगी वो अप्लीकेबल किया जाएगा अप्लीकेबल किया जाएगा मतलब कभी कभी क्या होता है कभी कभी इसके पहले जो भी सबसे है okay, इसके पहले जो भी है इसमें हमारे इंडिया में भी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होके टैक्स लग रहा है आइदर फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज में या एज वेल एज उसी ट्रांजेक्शन पे उनके कंट्री में भी टैक्स लग रहा है तो डबल टैक्सेशन हो रहा है तो डबल टैक्सेशन अगर होता है तो हमारी गवर्नमेंट कहेगी चलो ठीक है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बदल दो और इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन पे उनके कंट्री में भी टैक्स नहीं लग रहा है और हमारे कंट्री में भी नहीं लग रहा है दोनों कंट्रीज में नहीं लग रहा है तो फिर गवर्नमेंट उसका प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करके सेक्शन थर्टीन थर्टीन में नया प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करेगी और हमारे कंट्री में टैक्स लगाएगी ऐसे कैसे ओके डबल टैक्सेशन है होगा वहां लग रहा होगा तो हम छोड़ देंगे अगर वो कंट्री में नहीं लग रहा है तो हमारे कंट्री में लगाएंगे या यूनिफॉर्म रूल्स बनाने के लिए भी या इसके पहले दिए गए प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज करके थर्टीन थर्टीन में एक नया प्लेस ऑफ सप्लाई ओके फिक्स करेगी डन अब इसमें ऑलरेडी दो केसेस गवर्नमेंट ने दी थी जो लास्ट टाइम में मैंने आ, कवर कर लिया था अब तीसरी अभी ऐड किया और ये प्रायोरिटी ए प्लस प्लस मुझे लगता है इसके ऊपर केस स्टडी आने के पूरे पूरे चांसेस है इस बार ओके okay, और वो क्या इसके पहले ये था कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज इन नोटिफाइड फार्मास्यूटिकल सेक्टर होगा सुनिएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज इन ठीक है तो अब इसके पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर नोटिफाइड सेक्टर

एक तो पहले ही कवर कर लिया था पर इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप और वेसल होगा या उसके इंजिन से रिलेटेड होगा या कोई भी कंपोनेंट्स या पार्ट से रिलेटेड होगा टू अ फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपियन माना जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपियन माना जाएगा समझ लो इसको मैं आपको एक बात बताता हूं जैसे हो क्या रहा था समझ लो कोई इंडियन शिपिंग कंपनी का इंडियन शिपिंग कंपनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नीचे दिया हुआ है उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं इंडियन शिपिंग कंपनी का शिप इंडिया में होगा और कोई फॉरेन कंपनी यहां से देखिएगा कोई फॉरेन कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि इसका एमआरओ करना है ओके okay, एमआर करना है मतलब मेंटेनेंस रिपेयर्स और ओवरऑल सर्विसेज आपको देना है इंडियन तो इंडियन शिपिंग कंपनी है इंडिया की शिप है और एमआरओ करना है अब ये जब शिप वहां पे जाती थी शिप जाती थी वहां पे तो जब शिप जाती थी तो वो केस में वो उसका एम करते थे मेंटेनेंस रिपेयर्स और ओवरऑल सर्विसेस एम आर करते थे ओके okay, क्योंकि हमने फॉरेन कंपनी को दिया है तो वो एम करते थे अब देखो अगर सर्विस लेने वाला ओके okay, सर्विस लेने वाला इंडिया में है सर्विस देने वाला बाहर है आउटसाइड इंडिया है तो यहां सेक्शन थर्टीन अगर यह अमेंडमेंट नहीं होती तो सेक्शन थर्टीन के हिसाब से कि आपके सर्विस का नेचर ऐसा है कि गुड्स फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है तो थर्टीन थ्री के हिसाब से पीओएस, एस प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाता प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाता और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा तो एमआरओ सर्विस वहां दी गई इंडिया में आके नहीं दी ओके इंडियन शिपिंग कंपनी को सर्विसेस वहां भी दी गई अगर वहां ये सर्विसेज दी गई तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस समझ लो ये यूएसए है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस यूएसए मान लिया गया ओके प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस यूएसए मान लिया गया तो इसके ऊपर टैक्स लग वो कंट्री में भी नहीं लग रहा क्यों क्योंकि वो कंट्री के हिसाब से एक्सपोर्ट है इसलिए वो कंट्री भी नहीं लगा रही और इंडिया में नहीं लग सकता ओके okay, अब इंडिया में क्यों नहीं लग सकता क्योंकि इंडिया में सेक्शन सेवन वन बी कहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अप्लाई बोला जाएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस अप्लाई बोला जाएगा उसके ऊपर रिवर चार्ज में आई लगेगा अब इसके इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा तो आर लगेगा और आर में ओके जीएसटी पे किया जाएगा अब दूसरा सवाल है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब कहना तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस डिफाइन किया गया है अब आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन टू में इंपोर्ट ऑफ सर्विस डिफाइन जो किया गया वो क्या तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया हो आउटसाइड इंडिया हो लोकेशन ऑफ रिसिपियंट एलओ इंडिया में हो एलओ इंडिया में हो और प्लेस ऑफ सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो तो ही वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाएगा और जीएसटी आएगा लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर होगा तो वो केस में जीएसटी नहीं आएगा अब देखो क्या हो गया क्या हो गया कि वो कंट्री भी टैक्स नहीं लगा रही है क्योंकि वो कंट्री के हिसाब से एक्सपोर्ट है और हम भी टैक्स नहीं लगा पा रहे क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आ नहीं रहा है क्यों नहीं आ रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ओके यूएसए फिक्स हो जाता है ओके okay, अब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स होगा तो ही वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आएगा

इंडिया से पेमेंट हो रहा है कंपनी सर्विस ले रही है से करोड़ में सर्विस ले रही है और इंडियन को पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है फिरंगियों को पैसा जा रहा है और कोई टैक्स नहीं इसके ऊपर ऐसा कैसे हो सकता है तो गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट को तो लेके आ गए थे एमआरओ सर्विस एयरक्राफ्ट की होगी तो वो ऑलरेडी कवर था वट अबाउट शिप और वेसल तो वो भी कवर कर लिया गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने कहा दिया कि भाई अब शिप और वेसल होगा तो वो भी कवर कर लिया जाएगा और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपियन माना जाएगा लो कर लो बात अब प्लेस ऑफ सप्लाई बदल के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया गवर्नमेंट कहती नो 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 ओके और दिस प्लेस ऑफ सप्लाई डज नॉट अलाउड ओके नॉट अलाउड होगा अब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 13 में फिक्स किया जाएगा और 13 13 में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपियन रिसिपियन का है इंडियन शिपिंग कंपनी यानी लोकेशन ऑफ रिसिपियन एलओ और वो इंडिया में है अगर वो इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां फिक्स हो गया इंडिया में हो गया अगर इंडिया में फिक्स हुआ तो आरसीएम में उसका जीएसटी दिया जाएगा समझा होगा तो जोर से कहो यस सर समझ में आ गया हमें यह हुई ना बात समझा होगा तो जोर से कहो यस सर समझ में आ गया हमें तो बस यही समझ लो कि अब उन्होंने एक तीसरी सर्विस ऐड कर दी और वो है एम आर ओ सर्विस फॉर वेसल ऑयर और, और अभी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो नीचे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर चलिए उसके बाद में इंटरमीडिय सर्विसेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टार प्रायोरिटी ए प्लस प्लस सवाल आ सकता है इसके ऊपर ऊपर वाला भी प्रायोरिटी ए प्लस प्लस दोनों भी अच्छे से करके जाना इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ठीक है

क्या हुआ मेन कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर इंडिया में है ठीक है रिसिपियंट आउटसाइड इंडिया है रिसिपियंट आउटसाइड इंडिया है और इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये इसको सर्विस दे रहा है या ले रहा है उल्टा वॉट इट में भी और इसको सर्विस देने के लिए मेन कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और सब कॉन्ट्रैक्ट जो है ओके okay, क्योंकि इसने मेन कॉन्ट्रैक्टर है सब कॉन्ट्रैक्टर के और इसका डील इससे किया जा रहा है मतलब ये उसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको हेल्प कर रहा है सब कॉन्ट्रैक्टर पर मेन कॉन्ट्रैक्टर इसके साथ हुआ है अब क्या हुआ कि सेक्शन अगर आपको याद होगा तो यहां पे जस्ट मिनट अब ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दे रहा है सेक्शन थर्टीन एट में ऑफ आईजीएसटी एक्ट अगर आप इंटरमीडियरी हो गए अगर आप इंटरमीडियरी हो गए तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर के बेस पे होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर के बेस पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई किया जाता है डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दे रहा है ये इंटरमीडियरी माना जाएगा इंटरमीडियरी माना जाएगा और अगर ये इंटरमीडियरी माना जाएगा तो ये केस में इसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर के बेस पे फिक्स किया जाएगा ओके प्लेस ऑफ सप्लायर यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर के बेस पे माना जाएगा डन तो मेन चैलेंज मेन इश्यू था कि जो सब कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं क्या यह इंटरमीडिएट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा डिपार्टमेंट का कहना है कि नहीं ये इंटरमीडिएट के डेफिनेशन में आते हैं और अगर ये इंटरमीडिएट के डेफिनेशन में आते हैं तो ये जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर तो इन्होंने जो भी सर्विसेज दी वो लोकेशन ऑफ सप्लायर के बेस पे यानी जहां तक देखा जाए तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा या फिर अगर सब कॉन्ट्रैक्ट बाहर होगा तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर माना जाएगा इंपॉर्टेंट इंडिया या बाहर नहीं है इंपॉर्टेंट यह कि ये इंटरमीडिएट सर्विसेज में कवर होगा या नहीं होगा ओके okay, तो चलिए व्हाट इज द इश्यू फॉर डिस्कशन पहले लीगल प्रोविजन देख लेते हैं कि भाई इंटरमीडियरी यानी क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी मींस ब्रोकर एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय वॉट द नेम कॉन चलो उन्होंने तो ये क्लियर कर दिया कि भाई जनरली इंटरमीडिएट ब्रोकर एजेंट या फिर नाम कुछ भी बोलो एनी अदर पर्सन फिर सवाल है कि सर ये सब कॉन्ट्रैक्टर रुकते ना सब कॉन्ट्रैक्टर भी आ सकता है पर इंटरमीडिएट की डेफिनेशन समझ लो एनी अदर पर्सन व्हाट आर द नेम कॉल्ड हु अरेंजेस और फैसिलिट पूरा डिस्कशन इस पे था कि हु अरेंजेस और फैसिलिटेट अब डिपार्टमेंट ने क्या कहा डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर ये फैसिलिटेट कर रहा है भाई ओके okay, और फैसिलिटेट कर रहा है तो ये जो है सब कॉन्ट्रैक्टर इंटरमीडिएट में आ जाएगा अगर ये सब कॉन्ट्रैक्टर इंटरमीडिएट में आ जाएगा तो इसके ऊपर तो जीएसटी ये तो इसका पीओएस जो है जो भी है पीओ एस यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर फिक्स हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में हु अरेंजेस फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सिक्योरिटीज बिटवीन टू और मोर पर्सन ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो अरेंज अरेंज कर रहा है या फैसिलिटेट कर रहा है बिटवीन टू और मोर पर्सन करना चाहिए बट डज नॉट इंक्लूड्स बट डज नॉट इंक्लूड्स ओके अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ और सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन अकाउंट पर यह भी कहा है कि अगर कोई बंदा अपने खुद की गुड्स सप्लाई कर रहा है किसी को दो पार्टीज को नहीं मिला रहा है ऑन हिज ओन अकाउंट वो खुद का उसका आउटपुट सर्विस है ओके okay, फिर वो दो पार्टीज मिले या ना मिले हाँ वो अरेंज कर रहा है वो फैसिलेट कर रहा है वो हेल्प कर रहा है पर वो उसका ओन सर्विस होगा तो वो केस में वो इंटरमीडिएट नहीं माना जाएगा तो मेन डिस्कशन था कि क्या ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है क्या ये इंटरमीडियरी माने जाएगी नहीं माने जाएंगे इसमें उन्होंने यहां पे कहा प्राइमरी रिक्वायरमेंट प्री रिक्विस्ट टू कॉल इंटरमीडिएट सर्विस तो सीबीआई ने ऐसे चार पॉइंट कंसीडर किए कि कब इंटरमीडिएट कहना फिर अपना क्लैरिफिकेशन दिया और फिर एग्जाम्पल से समझाया भी वो एग्जाम्पल भी मैं लूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है पहला तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ थ्री पार्टीज जब भी हम इंटरमीडिएट डेफिनेशन को देखेंगे तो तीन पार्टीज दिखनी चाहिए एक सप्लायर ऑफ गुड सर्विसेज एक रिशिपियन और एक बीच वाला बंदा जो इन दोनों को इन दोनों को अरेंज कर रहा है जैसे सप्लायर रिसिपियन ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन मेन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और सिक्योरिटीज एंड वन अरेजेस और फैसिलिटेट सप्लाई यानी एक मेन सप्लायर एक रिसिपियट है दोनों के कॉन्ट्रैक्ट हुए और एक बीच वाला बंदा है जो इसको अरेंज कर, रहा है, कर रहा है. Thus, तीन पार्टीज होना जरूरी है टू डिस्टिंग सप्लाईज वन इज मेन सप्लाई बिटवीन टू प्रिंसिपल एंड अदर एंसिलरी सप्लाई विच इज फैसिलिटिंग और अरेंजिंग द मेन सप्लाई दूसरा ऐसा होना चाहिए कि यहां पे एक मेन सप्लाई हो गया और वो मेन सप्लाई को अरेंज करने के लिए एक सेकंड सप्लाई किया जा रहा है वो इंटरमीडियरी का तीसरा इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर हैव द कैरेक्टर ऑफ एजेंट ब्रोकर और सिमिलर पर्सन ख्याल रहे इंटरमीडियरी कवर करने के लिए वो एजेंट या ब्रोकर जैसा होना चाहिए इजसडम जिनरिस एक इंटरप्रिटेशन आता है कि वो एजेंट ब्रोकर जैसा उसने काम करना चाहिए अगर इंटरमीडियट कहना है तो द अबो डेफिनेशन नॉट इंक्लूज एज इट डज नॉट कवर वर्ड मींस अगर आप ऊपर की डेफिनेशन देखते हम अरेज और फैसिलिटेडेंगे तो अरेज और फैसिलिटी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंट ब्रोकर या सिमिलर टाइप का देखेंगे हम अरेज और फैसिलिटी में सब कुछ कवर नहीं करेंगे और एक्सक्लूजन फ्रॉम डीलिंग इन मेन सप्लाई हाँ इंटरमीडिएट डूड पर्सन अंडरटेकिंग मेन सप्लाई ओन अकाउंट बस ये चार फैक्टर से आपको समझ गया होगा कि जहां तक सब कॉन्ट्रैक्टर की बात है सब कॉन्ट्रैक्टर ये जो है मेन सप्लाय को यहाँ पे दोनों में डील नहीं करवा रहा है लाइक अ ब्रोकर और एजेंट दोनों में डील नहीं करवा रहा है यह अपना सेपरेट कॉन्ट्रेक्ट ले रहा है ओके okay, तुम्हारा मेन हो या ना हो तुम्हारा गुड्स का सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो ना मुझे उससे क्या लेना देना आपसे मुझे एक मेन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो इसका जो कॉन्ट्रेक्ट एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर को दोनों के बीच में डील नहीं करवा नॉट लाइक अ ब्रोकर नॉट लाइक अ एजेंट ओके तो ऐसे सिचुएशन में क्लैरिफिकेशन देखो क्या है एक्सक्लूजन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म सर्विस इट इज इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन देखो सप्लायर ऑफ मेन सर्विस में डिसाइड टू आउटसोर्स इधर फुल्ली और पार्टली वन ऑफ मोर सब कॉन्ट्रैक्टर्स सच सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड मेन सप्लाई पार्ट देर ऑफ एंड डज नॉट मियरली अरेन्ज और फैसिलिटेट मेन सप्लाई बिटवीन

इंटरमीडियज ये कंसेप्ट को समझाया गया बाय सीबीआईसी ये चार एग्जांपल्स देखो पहला इलस्ट्रेशन वन इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ मशीन ए जो है ये मेन सप्लायर है नीचे आपको लिखना है तो लिख सकते हो सप्लायर है सी हेल्प्स ए इन सेलिंग ऑफ मशीन ये मशीन बना रहा है और सी उसको हेल्प कर रहा है सी उसको हेल्प कर रहा है फॉर सेलिंग ऑफ मशीन सेलिंग ऑफ मशीन ठीक है बा आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट सी जो है बी क्लाइंट है और ये किसने आइडेंटिफाई किया है सी ने हुट टू परचेज द मशीन एंड हेल्प इन फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट और इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में हो चुका है ठीक है अब सेकंड प्रैग आप देखो सी चार्जेस जो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सी चार्जेस ए फॉर हि सर्विस ऑफ लोकेटिंग बी एंड हेल्पिंग फाइनलाइजिंग सेल ऑफ मशीन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच सी इनवॉइस ए एंड हि पे पेड ए फॉर द सेम व्हाइल ए एंड बी आर इन्वॉल्व इन मेन सप्लाई ऑफ मशीनरी सी इज फैसिलिटेटिंग द सप्लाई ऑफ मशीन बिटवीन ए एंड बी इन दिस अरेंजमेंट सी इज प्रोवाइडिंग एनसरी सप्लाई ऑफ अरेंजिंग और फैसिलिटिंग ऑफ मशीनरी बिटवीन ए एंड बी देफ सी इज इंटरमीडियरी सी को इंटरमीडियरी बोला जाएगा और यस उसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर के बेस पे फिक्स होगा एग्जाम्पल नंबर टू ए इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी ए जो है सॉफ्टवेयर कंपनी ठीक है विच डेवलप द सॉफ्टवेयर

आउटसोर्ड द टास्क ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर मॉड्यूल टू सॉफ्टवेयर टू सॉफ्ट टू सी सी ने इसने सी को आउटसोर्स किया है कुछ पर्टिकुलर टास्क आउटसोर्स किया है सी को और सी का इंटरेक्शन आ रहा है इंटरैक्ट विथ विथ बी बी तो मुझे बताओ यहां सी जो है यहां जो सी है ये जाएगा तो नौ लिखो नॉट ट्रीटेड एज इंटरमीडियरी इंटरमीडियज पर दिस क्लरिफिकेशन नॉट ट्रीटेड एज इंटरमीडिएटी सी को इंटरमीडियरी नहीं कहा जाएगा सी को इंटरमीडियरी नहीं कहा जाएगा ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है नाउ नेक्स्ट इंश्योरेंस कंपनी पी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया रिक्वायर टू प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम फॉर इट्स क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस सर्विस बींग प्रोवाइडेड बाई पी टू क्लाइंट इंश्योरेंस सर्विस पी टू क्लाइंट है इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करने के लिए उसकी जो फॉर्मेलिटीज करने के लिए पी ने आउटसोर्स किया आउटसोर्स किया अदर फॉर्म को फॉर दिस पर्पज ही अप्रोचेस क्यू लोकेटेड इन इंडिया

सर्विस चार्जेस वन परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग प्रोवाइडेड बाय आर टू पी इन केस मेन सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विस बिटवीन पी एंड आर व्हाइल क्यू इज मियरली अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग द सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन पी एंड आर एंड नॉट हिमसेल प्रोवाइडिंग मेन सप्लाई ऑफ सर्विस अकॉर्डिंगली इनकेस क्यू एक्टिंग एज अ अब देखो इंश्योरेंस कंपनी और आर इंश्योरेंस कंपनी और आर ठीक है इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट है पर इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करके दे रहा है क्यू इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करके दे रहा है क्यू ओके okay, यानी क्योंकि देखो अब ध्यान से सुनिएगा ये ये सवाल में बहुत सारे डाउट आ सकते हैं पर ये क्वेश्चन को समझो कोई पी है क्वेश्चन को समझो आपको ड्रॉ करना है तो नीचे ड्रॉ कर सकते हो जितना स्पेस है और उस उसने इंडियन क्लाइंट के इंश्योरेंस करवाया है उसको इंश्योरेंस प्रोसेसिंग सर्विस चाहिए और वो सर्विस के लिए उसने क्यू के साथ यहां पे कांटेक्ट किया क्यू ने ओके okay, यहां पे जो आर है जो इंश्योरेंस प्रोसेसिंग करता है इंश्योरेंस प्रोसेसिंग करता है ओके okay, उसका इंश्योरेंस प्रोसेसिंग करता है उसका और आर का कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया और आर ने ख्याल रहे आर ने इनवाइस क्यू के नाम का नहीं दिया आर ने इनवाइस डायरेक्ट पी को दिया इनवाइस फॉर इंश्योरेंस प्रोसेसिंग इंश्योरेंस प्रोसेसिंग इनवाइस डायरेक्ट किसके नाम का दिया पी का मतलब ये दोनों मेन कॉन्ट्रैक्ट में आ गए जिसके लिए फैसिलिटेट क्यू ने किया फैसिलिटेट या अरेंजिंग Arranging क्यों ने किया फैसिलिटेट या अरेंजिंग क्यों ने किया तो ये जो क्यू है ये इंटरमीडियरी माना जाएगा ये इंटरमीडियरी माना जाएगा क्योंकि ये मेंस तीन पार्टी है और ये मेन सप्लाई को फैसिलिटेट कर रहा है इसलिए ये इंटरमीडियरी माना जाएगा अगर हम आर की बात नहीं कर रहे हम क्यू की बात कर रहे हैं uh, क्यू की बात कर रहे हैं आई होप आपको ये समझा होगा ये थोड़ा दिक्कत जा सकती है सर ये बताइए अगर आर बिल क्यू को देता तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही अलग होता ये मेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये फैसिलिटेट या अरेंज करवाया क्यू ने पी के साथ इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसलिए क्यू जो है वो इंटरमीडियरी माना जाएगा समझा होगा तो प्लीज यस बोलिएगा ओके okay, ये एग्जांपल उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर A is a manufacturer and supplier of computer, based in USA. Okay, A manufacture USA supplies goods all over the world. As a part of this supply, A also required to provide customer care service to customer to address their queries and complaint related uh, of said supplier to computer. A outsource the task of customer care to BPO B. go B उसके कॉन्ट्रैक्ट को हेल्प करेगा क्लाइंट के साथ लेकिन भी अपना ओन सर्विस दे रहा है आउटसोर्सिंग सर्विस ओन सर्विस देगा तो ऐसे सिचुएशन में बी जो है नॉट ट्रीटेड एज इंटरमीडियो क्योंकि वो दोनों में, वो दोनों क्लाइंट और उसके बीच में डील नहीं करवा के दे रहा है अपना सेपरेटली कस्टमर केयर सर्विस कर रहा है तो वो इंटरमीडिय नहीं माना जाएगा ये केस में अगर अब ध्यान से सुनिएगा ये केस में अगर आप ओके okay, देखो तीन चार चीजें इन्वॉल्व है P, अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट को ये एक पहला सर्विस है दूसरा आर ये प्रोसेसिंग सर्विस दे रहा है आर उसको प्रोसेसिंग सर्विस दे रहा है ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है और ये इंटरमीडिएट सर्विस दे रहा है ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है ये इंटरमीडिएट सर्विस दे रहा है तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है।, है, है अगर आप इंश्योरेंस सर्विस की बात करें जो इंश्योरेंस कंपनी इंडियन क्लाइंट को दे रही है तो ये तो ये रिवर चार्ज में इंपोर्ट सर्विस है और इस पर टैक्स आएगा अगर आप आर की सर्विस देखें तो वो एक्सपोर्ट सर्विस में आ सकता है अगर पैसा कन्वर्टेबल में होगा तो तो ये आरसीएम तो में आएगा ये तो इंपोर्ट सर्विस बोला जाएगा और इंपोर्ट सर्विस बोल के ये आरसीएम में आएगा ये जो है अगर पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आता है इफ Amount received in convertible foreign exchange तो ये export service है export service है और ये zero rate में आएगा ये zero rate में आएगा export service है और ये zero rate में आएगा next यहां पर जो है बेटा next third जो है हम बात पहले और दूसरे की नहीं कर रहे हम बात इसकी कर रहे हैं क्योंकि क्यू इंटरमीडिएट में आ गया तो क्यू की जो सर्विस है इसका पीओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर है और इसका पीओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर होने की वजह से यहां पे फॉरवर्ड चार्ज में फॉरवर्ड चार्ज में इसका जो भी कमीशन बनेगा ओके कमीशन पे जीएसटी आएगा फॉरवर्ड चार्ज में इस कमीशन पे जीएसटी क्यू ही देगा क्योंकि क्यू इंडिया में ही है और उसकी सर्विस क्यों ना रिसिपियन बाहर का है क्यों नहीं ये सर्विस वो बाहर वाले को दे रहा होगा ओके okay, सर्विस बाहर वाले को दे रहा होगा लेकिन उसको लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों इंडिया में है इसलिए फॉरवर्ड चार्ज में वो जीएसटी देगा अब क्लियर है बेटा अगर क्लियर होगा तो बोलिए यस अब क्लियर हो गया होगा तो बोलिए यस यस और नो तो वो के, केस में क्यों ही टैक्स देगा डन चलिए आज का सेशन हम आ, यही एंड करेंगे और आ, मैंने जैसे कहा कि पूरी अमेंडमेंट्स तीन सवा तीन घंटा चलेगी तो दूसरा सेशन मैं लेक्चर ज़ीरो टू ये कर लूँगा सेम टाइम पे सात बजे इसी चैनल पे मैं लिंक क्रिएट कर दूँगा आपको ज्वाइन होना है वो सेवन टू एट थर्टी तक खत्म हो जाएगा ठीक है और नेक्स्ट वेयरहाउसिंग का सेशन जो है ये हम प्रोबेबली परसों कवर करेंगे डन यस और नो आपके डाउट्स और क्वेश्चन बाद में लेते पहले तो ये समझना कि ये समझा या नहीं समझा ओके चलो तो आज का सेशन यही रुकते हैं <laughs> अब बेटा जिसको एग्जिट होना है वो एग्जिट हो सकता है जिसके डाउट्स है वो डाउट सर आर अनरजिस्टर्ड होता है तो अनरजिस्टर्ड होता है यहां पे उसको जो एक्सपोर्ट जीरो रेट सप्लाई के रिफंड वगैरह मिलते हैं फिर नहीं मिलते और क्या है सर स्टडी मटेरियल में चैप्टर के एंड में अमेंडमेंट्स मेड हुआ थ्रू फाइनेंस एक्ट हाँ हाँ वो मैं ले रहा हूँ ना मैं फाइनेंस एक्ट की सारी अमेंडमेंट्स ले रहा हूँ प्लस स्टेच्यूटरी अपडेट्स की सारी अमेंडमेंट्स ले रहा हूं डोंट वरी मैं सारी अमेंडमेंट्स कवर कर रहा हूँ मेरे अमेंडमेंट्सरी अपडेट्स में जितनी अमेंडमेंट्स कवर है सारी कवर हो जाएगी सर शिव वाले केस में वैल्यू कितनी लेंगे वैल्यू तो बेटा रिवर्स चार्ज में जब भी जीएसटी आएगा दैट इज इन ट्रांजेक्शन वैल्यू इन प्राइस जो भी है मैंने पहले थर्टी वाली थर्टी फाइव वाली बुक से पढ़ा कोई दिक्कत नहीं ना बेटा क्या प्रॉब्लम है किससे से भी पढ़ो अमेंडमेंट्स आपको करनी है और बताइए आपके क्या डाउट्स है क्या कोई क्वेश्चन है आपके थैंक यू बेटा थैंक यू टीजा बेटा वो तो कंसेप्ट ही अलग है ना तुम मिक्स क्यों कर ले हो यार कि वो फ्रेट वगैरह कैसा वो तो फ्रेट होगा तो आरसीएम अप्लीकेबल है उसको हम देख चुके हैं ये हम फ्रेट की बात नहीं कर रहे हैं हम रिपेयर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं वो फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकता है वो कंसेप्ट है इसमें मिक्स मत करो ये रिपेयर मेंटेनेंस बस उसके लिए है बेटा कुनाल मैंने स्टार्टिंग में कह दिया है आप स्टार्टिंग से लेक्चर सुनो पहले पंद्रह मिनट में मैंने सब कुछ बताया हुआ है बेटा फ्रेट कहाँ से आएगा कोई फॉरेन कंपनी रिपेयर्स और मेंटेनेंस सर्विस दे रही है शिप के केस में वो रिपेयर चार्जेस पे जीएसटी जो है वो रिवर चार्ज में आएगा फ्रेट अलग हो गया रिपेयर्स मेंटेनेंस चार्जेस पे जीएसटी आएगा तुम कहां मिक्स कर रहे हो बेटा बूस्टर और मेरा क्वेश्चन मोर देन इनव थैंक यू रोहित थैंक यू बेटा बूस्टर इज ओसम थैंक यू बूस्टर सच में अच्छा है थैंक यू रमेश अच्छा बुक्स कंजेस्टेड लग रही है आपको <laughs> उसमें ऑब्जेक्ट ये था बेटा कि कम पेजेस में आपका सब कुछ हो जाए बट इट्स ओके नेक्स्ट आपका फीडबैक नेक्स्ट टाइम में जरूर कंसिडर करूंगा चलिए मुझे नहीं लगता कि अब आपके कोई क्वेश्चंस और डाउट है थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कल सेम टाइम पे मिलते हैं सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अभी बेटा बाकी बचे हुए ई बुक में मतलब ये जो डिजिटल बुक है डिजिटल बुक में मैं बाकी जो क्वेश्चन है बाकी चैप्टर के क्वेश्चन अब रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि अभी मैं अभी तक मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था अब फ्री हुआ तो अब दो तीन दिन बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा नहीं जिसका आटेम नवंबर ट्वेंटी वन था उनको यहाँ पे जो है फिर से आ, बुक्स परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है चार्ट चार्ट्स परचेस करने की फिर से कोई जरूरत नहीं क्योंकि अमेंडमेंट्स कर लो दैट्स इनफ योर बूस्टर एंड क्वेश्चन लॉट थैंक यू बेटा नहीं बूस्टर आप कर रहे हो तो बूस्टर में ही अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगी अलग से करने की जरूरत नहीं है पर बेटा अलग से करते उसका फ़ायदा यह है कि स्पेशली अमेंडमेंट पे फोकस होता है जैसे अभी आईजीएसटी एक्ट में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया अमेंडमेंट्स तो क्या है कि पूरे सिलेबस में हमारा सिलेबस अमेंडमेंट के साथ हो जाता है पर अमेंडमेंट्स देखने का फ़ायदा ये कि आप स्पीड में देख लो वन के पर उस फायदा ये है कि स्पेशली अमेंडमेंट पर फोकस होता है का कहना है कि थर्ड एग्जाम्पल में नहीं बेटा उस एग्जाम्पल में यह कहा है कि आर प्रोवाइडर है और इनवाइस डायरेक्ट पी के नाम का है इसलिए रिसिपियंट पी रहेगा क्योंकि इनवाइस उसके नाम का है इसने तो सिर्फ अरेंज करके दिया है क्यू ने क्यू रिसिपियंट नहीं रहेगा आर की सर्विस के लिए पी रिसिपियट रहेगा नहीं 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 इसलिए तो मैंने ड्रॉ करके दिया है सिर्फ अरेंज और फैसिलिटेट करके दिया है थैंक यू बेटा थैंक यू चलो यहां रुकते हैं चार्ट बुक्स के साथ चार बुक्स कौन से बेटा वो तो क्वेश्चन होता है ना चली